हाँ बेक्याल भैया वेलकम टू एपिसोड ऑफ गंजी स्वैग एंड आई एम रियली रियली सॉरी के इसको बहुत टाइम हो गया uh, बीच में काफ़ी सारे ट्रैवल्स बीच में इन्वॉल्व थे और चीज़ें नहीं हो पाई इंग्लैंड uh, में जब मौका मिला एक तो टेबल हमने मंगाया उसकी असेंबली के लिए मैं यार इतना अच्छा आदमी इस तरह का मुझे टेक्निकल आदमी नहीं हूँ uh, तो फिर वो जब तक असेंबल हुआ फिर बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया वन थिंग आफ्टर दी अदर एंड फॉर सम रीज़न इंग्लैंड में टाइम बहुत जल्दी गुजरता है इवन दो वहाँ पे मगरे Uh, बहुत देर से होती है बट टाइम कहाँ जाता है पता नहीं चलता सो रियली सॉरी अबाउट दैट और मैं अब चाह रहा हूँ कि मैं ये यहाँ बैठ के अकेले ही कर लिया करूँ स्पेशली आफ्टर आवर्स जब टीम चली जाती है क्योंकि सारा दिन चीज़ों में निकल जाता है तो मैं जिस तरह इंग्लैंड में वो ट्राई पॉड लगा के ख़ुद ही कर लेता हूँ आई थिंक आई शुड डू दैट ताकि इसकी कंटिन्यूटी uh, यार एक तो मेरे हर एपिसोड में स्टार्ट ही अपॉलोजीज और इससे होते खैर सो या थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस और uh, चलते हैं सवाल की तरफ बट उससे पहले फ्यू आर अपोर्ट यू कैन डू दैट ऑन पेट डॉट कॉम सैच गो एट इट हेल्प्स अस टू मूव अराउंड एंड लाइक डू दीज थिंग्स ताकि सबका भला हो राइट पहला सवाल नो प्लेस फॉर कॉमन सिंगल लेडी टू हैंग आउट और चिल्ड्रेन पाकिस्तान असला जुनेद होप य डूइंग वेल यूर माई इंपरेशन थ्रू आउट फ्रेश ग्रैड एंड एंड गॉट अ जॉब ऑन द लास्ट डे ऑफ यूनिवर्सिटी एंड मूव टू लाहौर एवरीथिंग अच्छा ये नहीं लिखा कि कहाँ से Everything is great alhamdulillah but still i feel very frustrated and lonely in this new city if i try to explore the city alone especially in the evening people stare at me as if i'm making out on the road lol if i sit with any male friend or colleague in any park guards come and start asking if two people can't sit together and talk they have to do something to be something first uh they have to be, they've got to be doing something acha June, tell me one thing why there is no such ex so much extremism in our country Either you do nothing or you do everything, there's nothing in between whether you sit in the park of lumber one housing authority or any area of lahore guards will inquire and be suspicious which makes me embarrassed every time without even doing anything a single lady can't party or chill because it will turn into something awkward or end up uh, being in the local police station the only option is to roam f roam at different shopping malls and watch movies there why don't we have social clubs literary, literary circles or places where cross fertilization of ideas can occur like some citizen group and community

दिस इज़ वेन आई यूज टू स्मोक या बंदा कभी फैंटा और लेस लेके कर सी बी की दीवार पे ही बैठ जाए तो फ़ौर लुटेगा या तो पुलिस से या फिर उनसे जिनको पुलिस पकड़ती है अगर पकड़ती है? तो ये सीन है आप तो मर्द हो के भी जो है ना यहाँ पे तो वो प्रिवेलेज भी ख़त्म हो गया इन कंसिडरिंग दिस ड्रेस जिस हिसाब से रॉबरीज हो रही हैं बर्गलरीज हो रही हैं स्नैचिंग हो रही है आई एवरी फ्रेंड दैट आई नो नो समन हु रिसेंटली गॉट रॉब्ड इन द पास टू वीक्स एवरी वन दैट आई नो उसके किसी जानने वाले साथ हुआ है इतना तेज़ी से हो गया अब इसमें लोग ब्लेम करते हैं जी फ्लड वाले लोग आ गए हैं तो उसकी आड़ में आ, क्रिमिनल्स आ गए हैं या मुझे लगता है कि जो पहले ही तीन करोड़ का शहर है तो तीन हज़ार क्रिमिनल्स होंगे ना यहाँ पे तो वो दोबारा से ऊपर आ गए हैं क्योंकि उनको पता है कि फ्लड वाले आए हुए हैं लोग डिसप्लेसड तो उनकी आड़ में हम कर लेते हैं ब्लेम तो उन पर जाएगा आई डोंट नो मैन खैर तो यहाँ तो बींग बींग being मैन इज़ सच अ लग्जरी टू इवन वॉक अ लोन आई नो ऑफ सम वन हु रिसेंटली मूव टू दुबई वो सारी ज़िंदगी कराची में रहीं और पिछले दिनों वो मुझे अपडेट दे रही थी uh, क्योंकि कुछ लोग हैं आई मीन ज़ाहिर है, I mean, है जिनसे रबता रहता है मैं हमेशा खुश होती हूँ उनको मैं पुश करूँ उनको एक रास्ता दिखाने की कोशिश करूँ और ये चैनल भी उसी की एक शाख है सो दैट पीपल कैन हैव अ डिफरेंट परस्पेक्टिव एंड मे बी दे कैन मेक देयर लाइफ बेटर तो वो खातून जो हैं उनका रिसेंटली दुबई में उनकी जॉब हुई है और जो लोग दुबई से वाकिफ़ हैं वो सतवा के इलाके में रहती हैं और ट्रेड सेंटर के पास उनका ऑफ़िस है विच इज़ अ बिट ऑफ अ वॉक अगर गर्मी हो क्योंकि दुबई की गर्मी आपको पता है आप बाहर खड़े भी नहीं हो सकते बट ये अच्छी खासी डेढ़ पौने दो किलोमीटर की वॉक है और अभी चूँकि मौसम थोड़ा सा रिलेटिवली बेहतर है वो कह रही मुझे उनके एग्जैक्ट वर्ड्स हैं पिछले हफ्ते तो उनसे मेरी बात हुई उन्होंने कहा मैंने ज़िंदगी में सोचा भी नहीं था कि पैदल चलना भी एक प्लेजर हो सकता है और ये मैं देखें ना मैं इतने अरसे से ये जो मैं रोना रोता हूँ वो इसलिए कि ये नहीं कि जी सब अंग्रेज़ बन जाएं मगर जो अच्छी चीज़ें अच्छे मुल्कों की हम क्यों नहीं अडोप्ट कर सकते और ये तभी पता चलता है जब आप वो चीज़ें एक्सपीरियंस करते हो तो ज़ाहिर है उन्होंने ज़िंदगी भर ये चीज़ें यहाँ कभी एक्सपीरियंस नहीं की वो जब बाहर निकलती थी नज़रें लोगों की चुभने वाली नज़रें और ये अल्लाह ताला ने एक औरत के अंदर एक चीज़ डाली उसको उसको फीलिंग आ जाती है कि अगर उसको कोई देख रहा हो और ये मुझे ख़वात नहीं बताया कि हमें पता चल जाता है कि कौन किस वक्त कहाँ स्टेयर कर रहा है हमें एनी वे तो आवाज़ें कसना ठीक है ना कराची में तो मुझे अंदाजा खैर यहाँ पे भी होता ही है मैं ये नहीं कह रहा नहीं होता पॉइंट माई पॉइंट वॉइज़ के जितना ब्लेटली मैंने ये दूसरे शहरों में होते हुए देखा है मैं नाम नहीं लूँगा फिर वो लड़ने आ जाते हैं कि जी आप बदनाम कर रहे हैं मेरे सामने वो मेरी दोस्त के मुंह पे घुस गया था मेरा अपना एक दोस्त इस्लाम में सेंट अपनी वाइफ को लेके गया हुआ था और एस्केलेटर से नीचे उतर रहे थे तो उस साइड से बकौल उसके पिंडी बॉयज़ ऐसे उसने फ़ोन निकाल के वीडियो बना रहा उसकी बीवी की यानी कभी औरत नहीं देखी ये हाल है वो यूँ वीडियो बना रहा है उसके बाद कह रहा है मैं आज तक सेंटोरस नहीं गया मैं किसी मॉल की बुराई नहीं कर रहा मॉल का कोई कसूर नहीं है वो जितना कर सकते हैं करते हैं उन्होंने तो बल्कि दो सौ रुपये लगाए हुए अंदर आने के लिए इसी वजह से एनी वे तो ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है अकेला अकेला रहना और अकेला होना भी एक बहुत बड़ा प्लेजर है लोग अक्सर मुझसे भी पूछते हैं यार आप अकेले रोलिंग स्टोन के कॉन्सर्ट में क्या कर रहे थे कैसे न्यौ? अरे भाई इतना मज़ा आता है अकेले में अपने साथ होने में जो मज़ा आता है अगर आप अपने बेस्ट फ्रेंड हो तो और उससे अच्छी और क्या बात होती है एनी वे तो हमारे यहाँ ये बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें हमारे यहाँ लग्जरी हैं अब जाहिर है जो लोग दूसरे मुल्कों से ये बात मेर मेरी ये बात सुन रहे हैं उनको बड़ी अजीब लगेगी ये बात लेकिन जो लोग यहाँ रह के गए दे अंडरस्टैंड वट आई एम टॉकिंग अबाउट और यहाँ पे चूँकि इतना टाबू है वो बस लड़का लड़की जहाँ बैठे हैं वहाँ कुछ ना कुछ हो ही रहा होगा एंड टू बी ऑनेस्ट होता भी है उनका भी सोचना गलत नहीं है क्योंकि होता यही है क्योंकि Uh, पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला जो है ना वो करप्शन या लॉलेसनेस या फिर इकॉनमी uh, नहीं है सबसे बड़ा मसला जगह है जगह नहीं है लॉन्डो के पास तो वो फिर पार्क में ये हरकतें करते हैं झाड़ियों के पीछे हरकतें करते हैं आप चले जाएँ किसी भी पार्क इस वक्त दोपहर के टाइम किसी पार्क चले जाएँ आपको आशिक माशू की मिलेंगे मेरी मेरी अपनी लाइब्रेरी में जो है मैं एक बार आई वॉकड इन सरप्राइजिंगली तो वो एक साहब हाथ पकड़ के बैठे हुए थे यही होता है फिर हमने वहाँ डमी कैमरा लगाया उसमें कोई तार वार नीति बस लगा दिया कि कैमरा है तो सीधे हुए लोग तो लोग भी मौके ढूंढते हैं और इनका तंग नज़र होना भी एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है कि भाई हर कोई तो नहीं हाथ पकड़ के बैठा हुआ लेकिन नाइन आउट और टेन टाइम्स ये रियलिटी भी है चाहे वो सिनेमा हो चाहे वो पार्क हो चाहे वो कुछ भी हो तो अकेले बैठना अब हमारे यहाँ देखें ना, देखे ना चूँकि बहुत सारी आबादी रूरल है और वहाँ के आ, कल्चर ये है कि जी औरत ने तो दूसरा गांव नहीं देखा होता ये मैं फ़िल्म का डायलॉग बता रहा हूँ ठीक है ना तो वो उनकी सारी इंटरेक्शन मेल ओरिएंटेड ही होती है तो अब जब वो इन शहरों में आते हैं ये मैं बात कर रहा हूँ डोमेस्टिक हेल्पर्स की जो मतलब आ, आ, लेबर फोर्स होती है अब वो जिन इलाकों से आते हैं वहाँ पे उन्होंने औरत कभी देखी नहीं होती तो जब वो यहाँ इस तरह खुला ढुल्ला मॉल देखते हैं ना तो उनके जहन में सीधी बात आती है कि दो नंबर है वही बात जो मैं हमेशा कहता हूँ जब आप चाय के होटल पर बैठे हो कोई गाड़ी की स्क्रीच मारता हुआ जाए तो सीधा सबसे पहले क्या बोलते हैं हराम का है आप उसको जानते भी नहीं हो वो कौन है वो किसका बेटा है किसका बाप है सीधा बोलते हैं हराम का पैसा क्या पता वो स्पोर्ट्स इंथूजियस्ट हो क्या पता वो ड्रिफ्ट वो कौन सा ड्रिफ्टर मशहूर है यार वो रेड बुल वाला वो जो बहुत करता है यार बड़ा कैन कैन ब्लॉक क्या पता वो कैन ब्लॉक बनना चाह रहा हो अब उसके पास ट्रैक तो है नहीं तो वो सड़कों पर ही ड्रिफ्ट है हमारे आपने फ़ौरन बोल दिया हराम पर तो ये एक्सट्रीमिस्ट सोच है हम जो हैं मसला यही है मॉडरेट नहीं है हम या तो बहुत आउट है हमारा लिबरल बहुत आउट है या फिर हमारा कंजर्वेटिव बहुत कंजर्वेटिव है बीच का कोई रास्ता है, है ही नहीं तो वो फिर चीज़ें सोचों में रिफ़्लेक्ट करती हैं और फिर वो ये होता है और आपकी बात बिल्कुल ठीक है आप बड़े से बड़े पास बल्कि आपने जो लिखा नंबर वन हाउसिंग अथॉरिटी इन एरियाज़ में तो और बड़ा मसला होता है क्योंकि उनके ज़्यादातर जो आ, अगेन uh, जो सिक्योरिटी पर्सनल होते हैं उनकी ड्यूटी ज़्यादातर लगी होती है रेगिस्तानों में बॉर्डर पे इधर उधर तो उनका तो बिल्कुल ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं होता ना तो वो बिल्कुल और फिर वो जिस किस्म के बैकग्राउंड से आए हुए होते हैं अगेन उसमें उनका कसूर नहीं मैं सबकी बात कर रहा हूँ uh, उनके लिए ये चीज़ें बड़ी मायूब होती कि लड़की अकेली बैठी हुई है लड़की ने जीन्स पहनी हुई है कुछ तो कर रही होगी ये कोक ले कोक की बोतल लेके अकेली बैठी है इसमें कुछ मिला के पी रही है क्योंकि हमारी सोचती थी गलत की तरफ जाती है हम क्योंकि हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि इंसान पैदल में भी प्लेजर ले सकता है लड़की पैदल क्यों चलेगी ये फिर ये धंधा कर रही है ये फिर दो नंबर है ये क्लाइंट का वेट कर रही है सोच सी थी पन पर जाती है क्योंकि हमने ये चीज़ें नॉर्मलाइज ही नहीं की हुई और अब इसके पीछे फिर बहुत सारे मुहर्रक आते हैं फिर मैं कुछ बोलूँगा फिर कोई मौलवी साहब मेरी वीडियो का वो वाला पार्ट उठा के चुपका देंगे कि जी ये तो कह रहे हैं लड़कियाँ खुला घूमे बड़ा सोच समझ के बोलना पड़ता है कल ही एक बड़ा वो कहते हैं ना इस मुल्क में दो इल्ज़ाम आप पे लगे तो इसका मतलब है कि बस आपकी हो गई तो एक यहूदी एजेंट का तो लग चुका था मुझे मेरे माथे पे इसराइल का झंडा बना दिया था किसी ने कि भाई ये तो यहूदी एजेंट है उनकी तारीफ़ें करता है कल एक और उससे भी बड़ा लेबल लगा है मैं बोलूँगा नहीं तो भाई मैं बड़ा सोच समझ के बोलना पड़ता है यहाँ लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है और ये चीज़ें जो हैं इट लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन अब ज़ायरा बंदा कब तक चार दीवारी में बैठेगा हर बंदा लोनर नहीं होता कुछ लोग होते हैं आउटडोर्स ही होते हैं कुछ लोगों को खुली फ़िज़ा खुली हवा का शौक़ होता है Uh, मगर ये, ये बेसिक सी चीज़ इतनी बड़ी लग्जरी बनाई हुई है और ख़ासतौर पर ख़वान के लिए कि घुट घुट के रहती हैं और मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि विमेन लिव मिज़रेबल लाइव इन पाकिस्तान और इसमें ना मैं बात कर रहा हूँ सोशो इकोनॉमिक बाउंड्री की बात ही नहीं है अमीर से अमीर गरीब से गरीब लड़की uh, इस मुल्क में देर लिविंग मिज़रेबल लाइव बिकॉज दे दे डोंट हैव बेसिक फ्रीडम ऑफ वॉकिंग अराउंड पहनना ओढ़ना खाना पीना घूमना फिरना तो बहुत दूर की बात है उनके अपने ज़िंदगी के सबसे बड़े बड़े फ़ैसले कोई और कर रहा होता है ठीक है ना शादी किससे करनी है ये क्या करना है वो क्या करना है कोई और डिसाइड आपकी ज़िंदगी है कोई और डिसाइड कर रहा है आपने करना क्या है कौन सी फिल्म देखनी है किसके साथ उठना बैठना है कब आना है कब जाना है नौकरी कहाँ करनी है हालात ही ऐसे आप क्या करें सोया आई टोटली आई एम टोटली विद यू ऑन दिस अब मुझे समझ इसका सोल्यूशन क्या है आप बाहर चली जाएँ मैं तो सबको यही बोलता हूँ भाई ये बेसिक प्लेजर इन्जॉय करने पैदल चलने में कितना मज़ा आता है तो फिर बाहर जाके देखें या फिर अगर इस मुल्क में सच बोलना है तो बाहर जाएँ मैं सबको ये मशवरा देता हूँ भाई कुछ कर नहीं सकते भाई सोचों का मसला है और ये सोचें ये अभी नहीं बनी हुई इस पर चालीस चालीस साल की मेहनत हुई है तो इसको अनलर्न और फिर रीलर्न के अगले और अस्सी साल लगने हैं जिसमें ना आप जिंदा होंगी ना मैं जिंदा हूँ भाई तो अल्लाह की बहुत बड़ी दुनिया है कहीं और ये प्लेजर एक्सरसाइज करें यहाँ एक्सपेक्टेशन बहुत मुश्किल है क्योंकि फिर वो लोग इसको मज़हब का मामला बना देते हैं अगर ये बात बोली जाए कि भाई ख़वान ने अकेला घूमना है जैसे गांधी गार्डन में बुध का दिन औरतों का होता है ना मैं तो कहता तो हूँ हफ्ते में एक दिन औरतों का दिन करें जहाँ मन नज़र आए वो रबर गन मार दो चले वापस अंदर जैसे कोविड में लॉकडाउन था ना मर्दों का लॉकडाउन कर दो ताकि औरतें फील करें कि यार अच्छा ऐसे भी होता है सो या यही एक हल है इसके अलावा तो कुछ नहीं कह सकते बाकी गुड लक और uh, ख्याल रखें अपना और नेक्स्ट वन सेज इज़ डू यू फाइनली से इनफ इज इनाफिजना स्म जुनद बाई होप यू अर वेल आई अपोलोजाइज इन एडवांस फ्राम माई लॉन्ग ई मेल बट दिस इज़ द स्टोरी ऑफ माई टेन ईयर मैरिज सो प्लीज़ बेयर विद मी माई नेम इज़ ए बी सी एंड आई एम थर्डी समथिंग गर्ल फ्रॉम द यू के आई वॉज बॉन्ड हेयर एंड कम फ्रॉम अ फेयरली कंजर्वेटिव फैमिली वेल यू के में मोस्टली कंजर्वेटिव ही हैं Meaning my father has changed with times, but there are certain limits of our culture. He does not allow us to cross. My older cousins were not allowed to go to college or work. But the time by the time I grew up, he was okay with me going to college and then university. I had a part-time job during my education, he had no issues with, and we were also allowed a limited amount of freedom for socializing. However, it was made very clear that we were not allowed to found find our own spouse. We had to marry by his choice. This is the case for all of my cousins, whether they are they were male or female. Marrying by your own choice is out of question and if anyone has made their own choice, then the elders of her family have had a problem with them all their lives. Like there is so much to do in in life or in like this is what they see people uh, uh, choose to live with grudges. Or youapki uh basically but uh, the partner that you choose because योर पार्टनर विल मेक और ब्रेक योर लाइफ फॉर एवर ठीक है और हमने इतनी आराम से ये इतनी बड़ी चॉइस है जो आपने गुजारनी है दूसरे को दी हुई दूसरा डिसाइड कर रहा है कि कैसे कल मैं वो एक क्लिप देख रहा था वो नहीं अक्सर ये जो गांव देहातों की शादी होती है ख़ासतौर पर यह इंडियन रूरल एरियाज़ की जिसकी वीडियोज़ आती हैं वो लड़की रो रही है क्लियरली साफ लग रहा है कि उसकी उसकी विल ही नहीं है उस शादी में कल वो एक था वो मिठाई खिला रहा है वो वो रो रही है वो नहीं खा रही है उसकी माँ उसको जबरदस्ती मुंह खुलवा रही है कि तू मिठाई खा इसके हाथ से या मैन इमेजिन देयर लाइफ्स आई मीन ये कमरे के बाहर ये हाल है तो कमरे के अंदर फिर आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें आई एम टेलिंग यू दिस इंफॉर्मेशन सो आई कैन पेंट अ पिक्चर अबाउट देयर माइंड सेट माई फादर इज द मेन कैरेक्टर ऑफ माई फैमिली एंड ही हैज़ कंट्रोल ओवर द मेजर डिसीशन बिटवीन हिज ओन ब्रदर्स एंड दे हैव ऑलवेज डन प्री मच वॉट ही हैज सेड Let me get to the point. I went to university and did a mediocre job. I got married at twenty five to my cousin and my brother married my husband's sister, Achavata Satta. From the get go I felt that my relationship was not right. My husband has his backup. From the beginning, uh, and her personalities clashed. I was ambitious and wanted to travel and aim for a good life, but he was very backward-minded and had no ambition to do anything with his life. As soon as we got married, he forced me to quit my job and stay at home. He told me he would pay for my expenses, but he never did. This is boys a boy's I finances finances in बॉयज़ के कहने पे नौकरी ना छोड़ें बॉयज़ के कहने पे करियर ना गिव अप करें हाँ मैं कर दूंगा मैं कर दूंगा और फिर नहीं करते एंड देन यूर लाइक योर लेफ्ट बिहाइंड दैट लीड्स टू मेजर डिप्रेशन माई ब्रदर फेल हैड ओवर हील्स फॉर हिज वाइफ एंड दे वर वेरी हैप्पी फ्रॉम द बिगिनिंग हाओ एवर माई सिस्टर इन लॉ माई sister and mother in law interfered from the beginning they would fill my husband's ears about rumors they heard about me baseless gossip

We have always lived in a joint family system. Shit. ये जो लोग कहते हैं ना joint family system hamari हमारी hai है और ये है वो है like that's the most toxic thing in our society lekin लेकिन hum हम लोग hain हैं और आप बोलोगे angrez अंग्रेज़ तो अपने baap ko को बूढ़ा छोड़ देते हैं और ये है और hai home वाले पालते हैं It's bullshit शेट भाई सबकी अपनी जिम्मेदारी है अपनी जिंदगी खुद गुजारनी है हमारे यहाँ होती इसलिए कि मुझे बुढ़ापे में पालेगा पैदा इसलिए करते हैं कि भाई ये मेरे इंश्योरेंस पॉलिसी है जब आपकी सोच यही है कि इस आपने इससे ज़िंदगी भर काम लेना है तो आपकी फिर वो बेलॉस मोहब्बत किधर गई परिंदों की तरह पालना होता है उसको दाना पानी सिखाएँ और बोलें चल ओढ़ अपनी फ़्लाइट खुद पकड़ मगर हमारे यहाँ पकड़ के रखते खींच के रखते हैं तुन के रखते हैं ओके इन अ जॉइंट फैमिली एंड ही हैज़ मल्टीपल टाइम्स मी इन फ्रंट ऑफ एवरी वन ऑब्वियसली वो देसी मर्दी क्या जो भरी महफिल में, में बीवी का मजाक ना उड़ाए या दूसरी बीवी वाले जोक Jocks Tamare. He has no filter, like I told you. I have no wizard in that house. He constantly tells me to shut up and get out of his house, get lost, and many other things. Furthermore, over the smallest things like not waking up uh, on time for work or having his breakfast ready on time, he will throw a strop and not talk to me for weeks, sometimes even months. There has been times he has not. Touched me for six months over the most mundane argument. In our 10 years of marriage, we have spent more time not on speaking terms rather than good terms. That's like the saddest line I've I've read in the in the recent times. I was diagnosed with cancer four years into our marriage and he was sympathetic for all of two days. After this he was back on his old ways he did not support me through my illness whatsoever and still carried on doing his techniques of mental torture and not speaking to me as soon as i did something he did not like or his mom or sister told him something against me see ye hota hai joint family mein kaam karne ko hota nahi hai और उसके कान में भर दिया उसके कान में भर दिया अच्छा आज ये चल के क्यों आई आज इसने क्यों मैंने ये रोज़ क्यों नहा रही है problem uh, in the past 10 years his main issue with me is why do i get out to eat or shopping with my friends or sisters <sighs> he does not allow me to go so sometimes I go without telling him but numerous times his sister has rang him and told him that she has gone somewhere and she has not told you and most arguments used to stem from there i am now cancer-free alhamdulillah and went for fertility treatment, which was unfortunately not successful. My husband is a very hard to live with character. He has no friends, no social life. He does not like working. He, for 10 years, no exaggeration, he has a routine of sitting in the bathroom most of the night and not sleeping all night. What is he doing in the bathroom? That's something you need to find out. Because as you said earlier, he hasn't touched you for six months over petty arguments. Clearly, he's doing something there satiate his needs you know if you know what i'm saying he has no friend acha he on minimum spends 3 to 4 hours in bathroom every night he sleeps during the day and wants me to wake him up for 3 hours every day until he wakes up and that too if he feels like waking up he will otherwise i could sit there trying to wake him up for 4 hours even it's a very messed up way of him controlling my time Recently in the past year things have gone from bad to worse he's totally not working and spent most of his free time torturing me mentally it has gotten so bad that i started to have suicidal thoughts i have hurt myself i have smashed plates in my head once even grabbed a knife it had gotten so bad that i had to leave i came to my dad's house and my dad and his brother my father in law did not support me they said from the beginning i'm exaggerating wow gaslighting Things are not that bad, and they refused every one of my problems. My dad is stuck on the point that why did I not tell him sooner and why am I speaking up now? If I had told him sooner, he could do something with me. Now I'm 40, what is he supposed to do with me? Basically, saying, You took it for 10 years, now carry on taking the same. It is too late. हाउ डू पीपल डू दिस विद देर ओन औलाद मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आई कि लाइक हाउ मच हेटरेड यू शुड हैव इन योर हार्ट फॉर योर ओन चाइल्ड फॉर देम टू सफ़र फॉर देम टू सी देम सफरिंग लाइक दिस एंड नॉट डू एनी थिंग अबाउट इट मेरा तो बच्चा थोड़ा सा भागता है मैं तो भागा भागा पीछे जाता हूँ कहीं गिर ना जाए चोट ना लग जाए And, like, here people are like, huh, hai, this is your kismat. This is tha. I told them I want to move out, and they said it, that is out of question. I said I want to leave him. They say that is out of question. I'm at a point I have to make a major life decision, and due to lack of support, I am second guessing myself. What if I give it another try? No, man, come on. What if I give it another try and he changes? Are you, are you, do you really think? डोंट लिसन टू मील जो लोग सुन रहे हैं कमेंट्स में बताएं डू यू थिंक दिस पर्सन कैन चेंज बट वॉट इफ ही डेंज ही विल नॉट चेंज हीट ऑल वॉट इफ़ आई लीव हिम एंड आई डो नॉट फाइंड एनी वन एल्स डेट्स फाइन इस टॉर्चर से रहने से बेहतर है कि आप अकेली रह लें ये तो अगर आप रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें देखें आप सुसाइडल पॉइंट तक पहुँच गई हैं तो और सेल्फ हार्म क्यों इस्लाम में सुसाइड क्यों हराम है क्योंकि आपकी जान नहीं है ये अल्लाह की दिव्या आपके पास अमानत रखी गई है तो अगर आप इसी ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे आपको रोज़ कत्ल किया जा रहा हो तो आपको अपने आप देखें भाई नबी ने भी नभी नभी आ, हिजरत की थी ना जब उनको प्रॉब्लम्स हुई थी ठीक है ना तो अल्लाह ने नहीं बोला कि जी जहाँ जुल्म हो रहा है वहाँ रहो और मेरी रज़ा की खातिर अल्लाह कहता है भाई अपनी अकल लगाओ जो तुम्हारे लिए बेहतर है वो करो What if I find someone else and he's even worse than my current husband? What if I go against my father and lose them and also live them, live to regret my decision? Yeah, uh, how do you lose your family? Your family has lost you. They don't care about you. So why do you? I mean, I'm so confused. My father thinks his family will be torn apart if he supports me in leaving my husband. He said to me that rather than 10 people dying, it's better that one person dies. दीज वर्ड्स रियली हर्ट मी ये देखो अपनी औलाद के बारे में क्या कहते हैं लोग दे टोल माई सोल ही वोड रदर आई लिव अ लाइफ ऑफ हेल देन लेट इट अफेक्ट हिज सन एंड डॉटर इन द लॉ डॉटर इन लॉ एंड ग्रैंड किड्स अच्छा वो नहीं वट्टा सट्टा है ना तो अगर ये छोड़ा तो फिर इनकी ज़िंदियाँ होंगी यार वो आपकी जिम्मेदारी नहीं है भाई एक बंदा अगर यार अल्टीमेटली आई नो देट आई विल लिव अ मिजरेबल लाइफ विद माई हजबेंड इवन इफ यू चेंज नाओ his fitrat will stay the same how long will he be able to suppress his hatred for me but i have two doubts mainly i want to have children and i want to seek treatment until the end if i stay with him i can seek treatment and inshallah have a child one day or i can keep trying what is the guarantee i will find another spouse enough time to try for kids acha i'm nearly 35 now okay the clock is ticking what if i make this decision and live to regret it end up alone and my husband marries someone else and is happy people will throw it in my face that if i just did a bit more subr maybe i could have made it work guessing guesswork he's going to be the same person to the other person because he's not changing which i know even as i type this it is a stupid point you answered my question but i'm scared of regretting my decision what do you think do you think there is scope of some or some solution to be honest i know the answer but i want to know your thoughts and what's your take from this situation i appreciate you taking the time to read this email and i would really appreciate you, your reply thank you for so much uh, thank you so much for for the email i think it's pretty evident jo aapki situation hai and uh, jo log sun rahe hain jo log bade bhar ke, ke de, gee, uk se rishta hai, uk mein bhai aise. मतलब मोस्टली ये ये सीन चल रहा है खैर अच्छे बुरे लोग हर जगह हो सकते हैं कोई गारंटी नहीं है कि यूके में बुरे हैं और यूएस में सारे अच्छे हैं हर जगह ही ऐसे हैं बहुत देखभाल के करनी होती है मतलब ये वाली सोच आपके जहन में होता है ना कि यार बाहर के पढ़े लिखे होंगे तो थोड़ा बेहतर भाई ये सोच ऐसी इनग्रेन है ना क्योंकि लाइक यू सेड आपके हस्बैंड का कोई सोशल सर्कल नहीं है वो टी वी भी ए आर वाई देखते होंगे तो उनका वही बॉक्स बॉक्स मैंटालिटी है लोगों की वो रहते पाकिस्तान में ही हैं बस बाहर रोड अच्छे होते हैं और थोड़े गोरे लोग दिख रहे होते हैं ये मेरी बात याद रखिएगा बहुत सारे पाकिस्तानी जो बाहर रहते हैं वो रहते पाकिस्तान में ही हैं क्योंकि मैंटालिटी वही होती है दोस्त वही होते हैं गॉसिपिंग वही होती है शमसा ने ये कपड़े पहने जीन्स पहन के वहाँ मुझे दिखी सिगरेट पी रही थी ये तो शराब भी पीती होगी भी होगी ठीक है ना इस तरह की सोच ये गाड़ी चला रहा है मॉर्गेज कितनी की ली ये क्या लिया वो क्या लिया उधार दे दे तू क्या कर रहा है वो क्या कर रहा है यही चीज़ क्योंकि ना ही अपना सर्कल चेंज करते हैं ना ही अपना एनवायरनमेंट चेंज करते हैं ना ही अपना अपनी अरे भाई एक बहुत बड़ा टी चैनल है उसके सारे अवार्ड बाहर मुल्क में क्यों होते हैं क्योंकि वो ड्रामे वो सबसे ज़्यादा वहाँ देखे जा रहे हैं भाई समझ रहे मेरी बात वहाँ क्यों होते हैं तो वो यही देख रहे हैं पिटती हुई औरतें कैनेडा में बैठ के पिटती हुई औरतें देख रहे हैं तो क्या ही निकलेगा सोल्यूशन आई डोंट टू इन्फ्लुएंस योर डिसीशन मगर आई मीन दैट्स द सेम रीजन यू यू सेंड मी दिस ई मेल देर इज नो होप इन दिस मैरिज आई मीन आपके सामने ही है रात को तीन से चार घंटे बाथरूम में अकेले बैठना कोई मुझे ये समझा दे कमेंट में कि क्या ये नॉर्मल बिहेवियर है व्हाट इज ही डूइंग देयर क्या वो पोर्ट देख रहे हैं इज ही टॉकिंग टू समवन एल्स क्या वो वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं क्या कर रहे हैं इतना कंट्रोल आप आज तक सुपर मार्केट नहीं गई अभी इससे पहले ईवेल में मैं क्या बात कर रहा था बेसिक प्लेजर ऑफ लाइफ पैदल चलना इसी तरह बेसिक प्लेजर ऑफ पार्टनर के भाई कभी पार्क चले गए अब आप, आप तो इंग्लैंड में रहती हैं हर गली के कोने में पार्क हैं वहाँ तो लंदन जैसे इतने बड़े शहर में पार्क हैं तो अगर आप उससे बाहर किसी दूसरे जो सबर्ब्स में हैं या दूसरे शहर में वहाँ तो और ज़्यादा ग्रीनरी है सुपर मार्केट आज तक आप टेस्को नहीं गई मैं तो टेस्को जाना छोड़ दिया पेगअप के साथ क्योंकि वो बीच में ट्रॉली खड़ी करके सामान लेती है मुझे गुस्सा आता है मैं अला भाई इनकनवीनियंस मुझे कभी बर्दाश्त नहीं है खैर उसे बेदहानी में होता है कौन सा जान के करती है मगर मैं यहाँ ट्रैफिक टेल्स बना रहा हूँ वहाँ मेरी बीवी ट्रैफिक जाम कर रही है टेस्कों में मैं कैसे बर्दाश्त करूंगा तो मैं ज़रा टेस्को आजकल नहीं जा रहा पॉइंट बीग बेसिक प्लेजर्स ऑफ लाइफ आप शादी क्यों करते हो कंपेनियनशिप के लिए करते हो ना ये सेक्स लव ये सब वेयर ऑफ हो जाता है जो आपका कॉमन गोल होता है ना यही आपकी शादी को सस्टेन करके रखता है कॉमन गोल हमने घर बनाना है हमने फैमिली रेस करनी है हमने बच्चों को यहाँ पढ़ाना है या हमने ट्रैवल करना है या हमने बिजनेस करना है हमने वेंचर करना है वगैरह वगैरह एक आदमी चार घंटे बाथरूम में है काम नहीं करता इंग्लैंड में फारग है वेला है आपको भी आगे पीछे नहीं आपके पास ड्राइव भी है काम करने की यू बिन वर्किंग बिफोर और फिर ये माइंड और आपकी फैमिली ने आपको छोड़ दिया है आई थिंक यू शुड कॉल सोशल सर्विसेज दिस इज अब्यूज टू द हाइस्ट डिग्री और ये जो कैंसर वाली बात है स्ट्रेस से हो ही हो ही जाता होगा जो लोग डॉक्टर हैं प्लीज़ मुझे बताएं जो इंसान इस तरह इत, इत, इतने पेन में रहे और मैंने इस तरह की बहुत सारी ईमेल्स भी आई हैं और बहुत सारे लोगों को मैं पर्सनल कैपेसिटी में भी जानता हूँ जो कि सख्त से सख्त सक्स अब्यूज़िव मैरिज़ में हैं जिनके मियाँ ने उनसे पासपोर्ट ले लिए हैं और वो बाहर हैं उनको फ़ोन तक नहीं अलाउ करते वो कुड़ कुड़ के अंदर अंदर स्ट्रेस ले लेके कैंसर ही डेवलप हो गया अब आई डोंट नो इसकी पीछे कोई कोई साइंस है भी कि नहीं बट लाइक आई बिलीव के इंसान ऐसे ही मर जाता है अपने अंदर तो योर ओनली थर्टी फाइव राइट नाउ मुझसे भी चार साल छोटी है अभी तो यू हैव द होल वर्ल्ड अहेड ऑफ़ यू एंड आई नो कुछ खातिन को ये प्रेशर होता है कि द क्लॉक इज़ टेकििंग मेरी लाइक like जाहिर है आई नीड टू हैव अ बेबी एज सोन एज़ आई कैन मगर अब आप ख़ुद बताएं जो आदमी आपको सुपर मार्केट नहीं जाने देता वो आपकी औलाद अगर इन अगर हो जाती है इंसाब के साथ जो कि मैं रिकमेंड नहीं करता वो क्या ही बाप होगा आप समझे मेरी बात वो क्या ही बाप होगा और ख़ुदा ना खास्तः अगर बेटी हो गई समझ रही हैं आप तो वो फिर अलग पेन है क्योंकि इंसान अपना पेन बर्दाश्त कर लेता है लेकिन जब उसकी औलाद हो जाती है ना तो उसकी औलाद सबसे अफजल होती है ये मेरी बात याद रखिएगा मेरी वा, मेरी वाइफ सबसे उसकी सबसे प्यारी चीज़ उसकी औलाद है मैं शायद बाद में आता हूँ पाउस लेटर हो जाता है औलाद पहले आती क्योंकि करेक्ट में कि कुरान में अगर ये है कि नहीं है मुझे मेरी मेमोरी वीक होती है तो मैं इसलिए बड़ी करेक्शन करता हूँ कि तुम्हारा तुम्हारा इम्तहान तुम्हारी औलाद से लिया जाएगा इंसान टेस्टी अपनी औलाद से होता है आप बड़े बड़े आ, स्टोरी सुनते हैं क्रिमिनल्स हो गए स्मगलर्स हो गए जहाँ बात औलाद की आती है टेम हो जाते हैं बिल्कुल औलाद चीज़ ही ऐसी है भाई मेरी सिगरेट छूट गई बीस साल सिगरेट पिए बोलता नहीं है मेरा बेटा लेकिन मैंने छोड़ दी कि यार नहीं बहुत बड़ी बात है रातों एक लैट से पूछेगा ज़रा इनबॉक्स करके आखिरी पी उसके बाद आज तक हाथ नहीं उठाया ठीक है ना तो इंसान का ड्रस की औलाद होती तो भाई अगर कल को आपकी औलाद इसके साथ हो गई यू नो द ड्रिल कुछ लोग होते हैं उनको पता होता है एंड आई एम प्री श्योर आपकी ई वेरी वेल फॉर्मुलेटेड अच्छे पैराग्राफ आपने सही तरह बनाया पढ़ी लिखी खातून है आप आपको जवाब अच्छी तरह पता है मगर बिकॉज आपकी कंडीशनिंग ऐसे माहौल में हुई है जहाँ पे चूंकि आप पे ब्लेमिंग गैस लाइटिंग की जा रही है और आपको आ, ये बताया जा रहा है कि तुम पे ही आएगा सब कुछ तो यू नो दी आंसर आपने सिर्फ मुझे सेकंड ओपिनियन के लिए मेल किए वरना आपको बहुत अच्छी तरह पता है कि आपके लिए बेहतर क्या है बट बिकॉज आपकी कंडीशनिंग ऐसे माहौल में हुई है वो आपको लिमिट कर रहा है आप इंग्लैंड में रहती हैं अगर आप पाकिस्तान में होती तो फिर वो तो बहुत ही बुरी चीज़ थी क्योंकि तलाक़ याफ्ता और फिर आपको नौकरी नहीं करने दी थर्टी फाइव में कौन नौकरी देगा ये वो आप इंग्लैंड में हैं आपकी ज़िंदगी यहाँ से स्टार्ट हो सकती है बड़ी जबरदस्त किस्म की ओनली इफ़ यू वॉन्टड मगर अगर आप अपने आप को और ये पेरेंट्स करते हैं अपनी औलाद के साथ करते हैं जीते जी उनको जिंदा दफन यार ये तो ऐसी ये जो कहते जी दौरे जहालत में मतलब आ, आ, अरब में जो है बेटियों को दफनाते थे, थे तो आज तक कर रहे हैं ये ये ज़िंदा बेटी नहीं दफना रहे जिंदा बेटी दफनाना सिम्बलिक है भाई जरूरी नहीं कि बेटी पैदा हुई तो मार दी तो वहाँ और लोग पैदा कैसे हो रहे थे औरत से ही हो रहे थे ना सिम्बलिक बात है तो ये तो हम आज भी कर रहे हैं जिंदा बेटी मार रहे हैं उसको कैंसर माशा यू कैंसर फ्री ना हो और कह रहे जी पहले क्यों नहीं बताया जैसे कि पहले बताते तो बड़ा एक्शन लेना था इन्होंने कुछ नहीं करना था ये सब बहाने तो और फिर यही लोग जो है ना इतने रिलीजियस होंगे सोमो सलाद के पाबंद होंगे माथे पे मेहराब भी होगा बेशक बेशक करते होंगे मौलवी के पीछे बैठ के लेकिन अपनी औलाद का ये हाल किया हुआ है और ये जो जुल्म है ना देखें मैं आप माने या ना माने हमारे जो हाल है ना हमारे मुल्क का ख़ास तौर पर उसकी एक बहुत बुनियादी वजह है यार लोगों को इंसाफ़ नहीं मिलता और इंसाफ से मुराद ये नहीं कि जी जज साहब ने इंसाफ़ नहीं दिया अरे घरों में भी इंसाफ नहीं है बेटा कबाब खा रहा है बेटी दाल खा रही है ये आहें जो दिल में होती है ना ये अर्श तक जाती हैं अल्लाह अल्लाह यहाँ है शेरक से करीब है तो जब आप फील करते हो ना दुख जानवर यहाँ पर जलील है इंसान यहाँ पर जलील है औरतें यहाँ पर जलील हैं बच्चे यहाँ पर जलील हैं ठीक है तो वो आहें कहीं तो जाती होंगी वाइब है ना दुनिया क्या है हम ये जो कहते हैं यार वाइब सही नहीं आ रही वाइब्रेशन से ही तो चल रहे हैं हम ठीक है तो जहाँ इतनी नेगेटिविटी होगी घर घर में नेगेटिविटी होगी वो मुल्क कैसे खुशहाल हो सकता है आप मुझे बता दें जब तक हम अपने घर सही नहीं करेंगे हमारा मुल्क सही नहीं होगा आप ये समझते हैं जी अच्छा सियासतदान आएगा वो सही कर देगा अरे बेसिक लेवल की करप्शन है ये भी तो करप्शन ही है ना अब्यूज़ ऑफ पावर है ना करप्शन क्या है ये थोड़ी है जी नवाज शरीफ ने उससे पैसे लिए इमरान खान ने उसको पैसे दिए ये करप्शन इज़ अब्यूज़ ऑफ पावर जहाँ आपके पास पावर है आप जज के पास पावर है ना अब जज ने उसको अगर अब्यूज़ करना है तो क्रिमिनल को छोड़ दिया अब्यूज़ ऑफ़ पावर हुआ ना इसी तरह घर में अगर बाप एक फ़ादर फिगर है हम एक पेट्रियारकल सोसाइटी में रहते हैं बाप एक फ़ादर फिगर है और वो ही इज़ अ सिम्बल ऑफ स्ट्रेंथ एंड लाइक यू नो हाउस होल्ड सीधा रखना है तो अगर वो नहीं कर रहा तो डिसबैलेंस आया ना यंग हिल गया ना डिसबैलेंस आया वो घर ख़राब हुआ वो घर ख़राब हुआ मोहल्ला ख़ानदान ख़राब हुआ ख़ानदान ख़राब हुआ मोहल्ला शहर कस्बा ज़िला मुल्क सीधी साइंस है लोग समझते नहीं है लोग समझते हैं हम घर में मैं बुरे वर्ड यूज़ नहीं करना चाह रहा कुछ भी करे लेकिन मुल्क हमारा से सीधा हो मुल्क बिल्कुल सीधा अब ऐसे नहीं हो सकता घरों से बनते हैं इंसानों से जमहूर से मुल्क बनता है जब जमूरी खड्डे लाइन लगी हुई हो तो मुल्क क्या ही चल जाएगा नहीं समझते लोग तो मैडम यू यू नो वेरी वेल वॉट माई आंसर इज एंड यू वेरी वेल नो वॉट यू वांट बट योर जस्ट स्र्ड अगर आपने देखें अभी आप पैंतीस किए हैं पैंतीस चालीस पचास और हैं अभी आपके आगे ये तो जैसे दस साल गुजरे गुजरे बट डू वॉन्ट दिस टेन टेन ईयर्स टर्न इन टू ट्वेंटी एंड इवन फोटी चॉइस इज़ योर डिसीशन आपका है आप बहुत प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में वहाँ तो कानून भी आपके साथ देगा वहाँ तो पुलिस भी आपके साथ होगी वहाँ तो सोशल सर्विस भी आपके साथ देगी आपको नौकरी भी मिलेगी इज्जत भी मिलेगी सब नहीं मिलेगा तो और यहाँ से कोई उम्मीद भी ना रखें इट्स अ टॉक्सिक हाउस होल्ड तरबियत अच्छी नहीं हुई बस मजहब पूरा घोल के पी लिया बस मज़हब में जो बुनियादी चीज़ थी जी हसन अखलाक वही नहीं सीख पाई ये कॉम हमारी आज तक नहीं सीख पाई तो जो जिनका अपनी औलाद के साथ ये बिहेवियर है तो वो दूसरों के साथ क्या ही अच्छे कर लेते होंगे कमेंट्स में लोग ख़ुद बताएं क्या इन साहब से बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है मैं जानता नहीं हूँ लेकिन जिस जैसा आपने लिख के दिया है जो आपके साथ सुपरमार्केट नहीं जा रहा आपको आपको अगर लग रहा है कि कल को वो सब हंग डोरी हो जाएगा और आपको घुमाने इधर उधर भी लेके जाएंगे ऐसा कुछ नहीं होने वाला या फिर ये कि जी औलाद हो जाएगी तो चेंज हो जाएगा ऊपर नीचे थोड़ा सा हो जाता है लेकिन जो एक बेसिक फितरत होती है इंसान की वो नहीं चेंज होती हाँ सिगरेट छोड़ दिए छोड़ दिए लेकिन जो अंदर कमीनापन होता है ना वो फिर भी रहता है ठीक है ना तो

ये छोड़ें आगे वाला कैसा होगा पीछे वाला कैसा होगा ये ये खुश होगा आ, देखें अगर अगली के साथ ये खुश होगा उसका नसीब है लेकिन अल्लाह ताला भी जो है ना गवाह है अल्लाह ने भी वो जुल्म जो आप पे हो रहा है वो देखा है तो अल्लाह ऐसे लोगों को जो ना दुनिया में नहीं तो आखिरत में पकड़ ही लेता है अगर आपका ईमान है इन चीज़ों में मगर इज़ वेरी हार्ड ब्रेकिंग टू तो सी लाइक सी दिस इज़ हाउ वीअर बिंग लेफ्ट बिहड क्योंकि हमारे मुल्क का फिफ्टी वन परसेंट ऐसे खुडे लाइन लगा हुआ है तो क्या ही चल जाएगा क्या ही कुछ हो जाएगा और ये पढ़े लिखे माशरों में ये हरकतें हो रही हैं तो यू कैन ओनली ओनली थिंक के गाँव देहातों में क्या क्या कुछ नहीं होता होगा आई विश यू वेल इसकी टेंशन ना लें कि टाइम गुजर रहा है ये गुजर रहा है ग़लत इंसान के साथ अच्छी चीज़ें एसोसिएट करना उन अच्छी चीज़ों को भी गलत करना हो जाएगा इवेंचुअली मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि यू शुड यू शुड सीक समथिंग फॉर योर ज़िंदगी एक ही बार मिलती है दोबारा नहीं मिलनी ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा ये तो सब फैक्ट है तो यही ज़िंदगी है अपनी टर्म्स पे जीना सीखें आ, और ये अपनी और मैं और आप और आप चाहिए क्या रही है आपने ये तो नहीं बोला नहीं मैंने क्लबिंग करनी है मैंने, कोई मैंने ये कोई शराबें पीनी है मैंने ये करना है वो करना है जिस वॉन्ट टू गो आउट स्पेंड टाइम विद योर फ्रेंड्स मतलब वाट्स रॉन्ग विद डैट तो ऐसे तो फिर आप पागल हो जाएंगी तो प्लीज़ डो नॉट अपने, अपने आप को अपने आप पर ना ना करें आ, और अपने अपने लिए बेहतर सोचें पूरी दुनिया है अल्लाह पे ईमान रखें आ, जो होगा अच्छे के लिए ही होता है हम हर चीज़ तो ये छोड़ दें कि जी अगला कैसा होगा पिछला कैसा होगा आपने ये भी नहीं सोचा था ना अब निकल आया तो यू नैवर नो मगर ये अच्छा नहीं है ये मैं आपको बता सकता हूँ अगले पिछले का छोड़ दें कि अगला कैसा होगा या ये खुश हो जाएगा वो हमें नहीं पता वर्ड वी नो राइट नाउ द फैक्ट्स आर दैट यूर नॉट हैप्पी एंड दिस इज़ अ वेरी वेरी अब्यूजिव हाउस होल्ड एंड यू नीड टू फाइंड योर वे आउट मैं ख्याल रखिएगा थैंक यू आर द नेक्स्ट क्वेश्चन से इज जेल सी डिम्स चुनीत आई होप दिस मिल फाइंड यू वेल फर्स्ट आई फर्स्ट ऑफ आई बिगेन सिंग दैट माई ब्रदर एंड आई आर योर एक्टिव लिसनर्स ऑल दो देर आर थिंग्स आई डोंट अग्री विद यू ऑन But I certainly enjoy the show you put together for us. That's perfectly fine. A little bit about myself I'm a second year MBBA student at a prestigious university in Dubai. I recently got my golden visa based on my high school grades. I'm telling you this as it might hold relevance to the actual problem I'm sharing with you. As I mentioned earlier, I'm a very jealous person. You didn't say acha upar heading my jealousy. Specifically specifically of my forty year old cousin. She has two kids, the daughter is eighteen and the son is fourteen. I am jealous because I know this is silly, but she has no problems in life. She has an Australian nationality, she travels at least six times a year to Europe, Pakistan, and Australia. Not to mention she's very kind and sweet. She also is a very educated and lives in a very sophisticated society in Dubai in a villa. I feel like crying at times because of my jealousy of her, even though I'm 19 and I have a lot to accomplish. My मोम से गलत बात है हसर सब कुछ तबाह कर देती है बट आई कॉन्ट हेल्प इट माई क्वेश्चन मीडिया हुर सो हैपी ऑल बट आर मिजरेबल लाइक यू मैं इन योर वीडियो सेकेंडली हाउ कुल माई जेलसी इवन दो आई एम सो ब्लेसड विद वॉट आई हैव फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर योर ई मेल और फर्स्टली द फर्स्ट स्टेप टू टूवर्ड्स प्रोग्रेस इज एडमिटिंग

जो कि विमेन विमेन एम्पावरमेंट और विमेन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और आ, दे आर स्टॉन्च फेमिनिस्ट और बस औरत ये वो ठीक हो ये होना चाहिए होना चाहिए और अपनी बीवियों के साथ उनका क्या रवैया है ज़्यादा बोलूँगा तो पता चल जाएगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ ऐसी uh, बहुत सारी मिसालें हैं सो डोंट बिलीव वॉट यू सी ऑन सोशल मीडिया मैं ख़ुद एक सोशल मीडिया की प्रोडक्ट हूँ और मैं ख़ुद इतनी बार कह चुका हूँ कि हमारा इंस्टाग्राम देख के हमारी ज़िंदियाँ ना जज किया करें uh, सब के अपने अपने डीमेंट्स होते हैं सबकी अपनी अपनी जर्नी होती है ऑब्वियसली आप लोगों को चले मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ आई कन्सिडर यू गाइज एज माई फैमिली आप लोगों को अभी ये वीडियो बिल्कुल रवानी में दिख रही होगी राइट right? पहला सवाल आया दूसरा सवाल आया अभी मैं तीसरा सवाल कर रहा हूँ वॉट यू गाइज डोंट नो इज़ वॉट हैपन्ड बिटवीन क्वेश्चन टू एंड क्वेश्चन थ्री वॉट हैपंड वज पौने तीन बज गए थे और तीन बजे मेरी थी थेरेपी ठीक है जो कि मैं काउंसलिंग लेता हूँ और मैं आई ओपनली एडमिटेड इट्स इट्स द बेस्ट थिंग दैट आई स्पेंड माई मनी ऑन और मैं इसको बहुत इनक्रेज भी करता हूँ तो मैं वहाँ से होके आ चुका हूँ और फिर मैंने लंच किया चाय पी थोड़ा रिलैक्स किया क्योंकि ज़ाहिर है वेन यूर लेंग सो मच ऑफ यूर शोल्डर तो थोड़ा सा ओवरवेलमिंग भी हो जाता है अब अगर मैं आपको ये बात नहीं बताता आपको ये बात कभी भी नहीं पता चलती आप बोलते यार इसकी कितनी परफेक्ट लाइफ है ना वीडियो बनाई पूरी और चला गया उस वीडियो के दौरान क्या हुआ आपको नहीं पता था राइट ये मैंने बता दिया ओनली टू केटर टू योर क्वेश्चन सिमिलर सो सो इसी वजह से मैं बताता हूँ बिकॉज़ uh, हम लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की अगर हम बात करें उनकी लाइफ पूरी सोशल मीडिया पे होती है बड़ी हंकी डोरी होती है ट्रैवल कर रहे हैं खा रहे हैं अच्छी जगहों पे जा रहे हैं और घूमना फिरना मौज मस्ती सब कुछ चल रहा है बट वॉट यू डोंट सी इज़ वाट हैपन्स बिहाइंड द कैमरा और बिहाइंड द कैमरा सबकी लाइफ अपने अपने तय बहुत डिफ़िकल्ट है ठीक है पहले किसी ज़माने में मैं भी आप ही की तरह सोचता था लेकिन मुझे अलहमदिल्ला वॉज़ ब्लेस्ड कि मुझे बहुत जल्दी ये ख्याल आ गया कि किसी से हसद करने से आ, आपकी गाड़ी आगे नहीं चलेगी आपकी गाड़ी तभी चलेगी जब आप अपने लिए कुछ करेंगे Uh, किसी की भी लाइफ परफेक्ट नहीं होती आपको क्या पता आपकी जो कज़न है उनके क्या डीमेंट हैं यू यू हैव नो आइडिया उनकी अपनी जर्नी है कुछ लोग लकी होते हैं उनको ज़िंदगी में हर चीज़ प्लेट में मिल जाती है कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी लाइफ बड़ी आसान होती है और आप उनको देखते जैसे फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया पे बहुत से ऐसे लोग हैं आई विश मेरा कोई शुगर डैडी होता यार मैं भी घूमता फिरता शीशा पीता यार दु, दिन दोपहर दु, दु, के on a tuesday afternoon, how can you have shisha and how are you not at work? i really wish khota scene a <laughs> scene. but yarobu life. Hai. life is struggle struggles. Hai, and that drives you further. To, so, you know, men start from scratch or inherently koi value yoti. Wo, code na, women and dogs. women, children and dogs are inherently loved. men have to earn respect. <coughs> तो ये ये वो एक जर्नी होती है जो कि सबको स्क्रैच से स्टार्ट करनी होती है क्लीन स्लेट होती है तो एनी वे सो जो भी करना है ख़ुद करना है अब वो चालीस की हैं आप उन्नीस की हैं क्या पता आप चालीस से पहले तीस में आ जाएँ उस सिचुएशन में जिस सिचुएशन में आज आप अपनी कज़न को देख के आप जेलिस हो रही हैं प्रोवाइडेड इफ यू स्टॉप थिंकिंग अबाउट दैट एंड थिंकिंग स्टार्ट थिंकिंग अबाउट हाउ कैन यू अच्छा उनको कोई पेडिस पर पे ना रखें कोई ऑस्ट्रेलिया का पासपोर्ट होना कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट <coughs> uh, नहीं है आई नो काउंटलेस मैनी थाउजेंड्स ऑफ देर आर ऑबियसली थाउजेंड ऑफ पीपल मैन सबको तो नहीं जानता लेकिन मैं काउंटलेस लोगों को जानता हूँ हु हैव लेट से ब्रिटिश पासपोर्ट अमेरिकन पासपोर्ट उन्होंने दूसरा शहर नहीं देखा आज तक लेट अलोन उस पासपोर्ट के मज़े लिए मेरे पास ये पासपोर्ट हो मैं पहले दिन जाऊँ जापान और एक डेढ़ महीना वहाँ गुजारूँ और हैंड टाइपर जोड़ेवर एनी वे anyway, तो इंजॉय करूँ लेकिन ये लोग बदकस्मत लोग हैं ये लोग नहीं करते इन्जॉय तो ऐसे भी लोग हैं दूर के ढोल सुहाने <clears throat> तो ये कोई मेरिट नहीं होता सक्सेस का इट्स अ गुड थिंग टू हैव बट देन इट्स नॉट एंड ऑल बी ऑल आप फोकस करें अपनी जर्नी पे अपनी पढ़ाई पे और डिग्री हासिल करें पैसे कमाएं और या yeah. किसी की किसी की वो मैं सॉरी वो मैं हमेशा कहता हूँ ना किसी की आ, पेंटेड पिक्चर देख के जो कि माइकल एंजलो ने स्कल्पचर अगर एक बनाया हुआ है तो उसके पीछे उसके कितने सालों की मेहनत है उसका आर्ट है उसका टैलेंट है उसकी मेहनत है वो देख के आप अपनी मिट्टी का क्ले का बर्तन देख के क्यों डिप्रेस हो रही हैं आप भी वही वाले मैन आवर्स दें और वो मैन आवर्स इन योर केस ठीक है डेडिकेशन दें पैशन दें आपकी भी चीज़ें रिजल्ट निकल इट्स अ वेरी सिंपल फार्मूला मैं अक्सर नोटिस करता हूँ इवन इन माय यू नो कंटेंट क्रिएटर कम्युनिटी जहाँ पे पीपल आर मोर ऑब्सेस्ड अबाउट कि अगला क्या कर रहा है राधर देन फोकसिंग ऑन देअर आर्ट एंड इन दियर क्राफ्ट मेरी पर्सनल अप्रोच ये है Uh, मुझ पर बड़े दूसरे क्रिएटर्स अटैक भी करते हैं uh, कोशिश करते हैं मेरी अटेंशन गेन करने के लिए uh, ट्रोल करने की कोशिश करते हैं सब कुछ होता है बट आई नो वॉट आर दे आफ्टर ठीक है तो मैं या तो उनसे लड़ लूँ और अपना टाइम ज़ाया करूँ जिसका कोई हासिल हुसूल नहीं है या फिर मैं अपने काम पे फ़ोकस रखूँ एंड लेट माई वर्क टू द टॉकिंग हमेशा अप्रोच ये होनी चाहिए कि आपकी लैम्बर गनी के साइलेंसर uh, uh, की आवाज़ इतनी तेज़ हो कि हेटर की आवाज़ ही ना आए वो कब आएगी वो तभी आएगी कि जब आप अपने आर्ट और अपने क्राफ्ट पे फोकस रखेंगे दूसरों को देखते रहेंगे तो हमेशा कोते रहेंगे क्योंकि आ, मैं अगर शाहरुख खान को देखूँ कि यार क्या उसकी और मैं डिप्रेस होकर बैठ जाऊँ अरे उसकी जर्नी भी तो देखो एटी एट से वो फील्ड में है अब जाके उसने अपना नाम बनाया है तो मैं क्यों उससे अगर मैं एक आ, अपकमिंग आर्टिस्ट हूँ या एक्टर हूँ तो मैं क्यों जेलिस हूँ भाई जर्नी तो करें अपनी पूरी तो मैं ये कहूँगा फोकस ऑन योरसेल्फ क्राइंग एट टाइम्स विल गेट्स यू मिज़री एंड बिटरनेस इंसान एक कंटेनर होता है उस कंटेनर के अंदर आ, अगर आप मीठा जूस डालेंगी तो आप भी मीठी रहेंगी आपको दुनिया भी स्वीट दिखेगी लेकिन अगर आप उसके अंदर जहर हसद जेलसी और आ, इस तरह की बिटरनेस डालेंगी तो फिर वो कंटेनर भी गंदा होगा और उसका कंटेंट भी गंदा होगा एक इंसान अपने अंदर गंद रख के जब उसके अपने अंदर गंद होगा तो उसको बाहर भी सब कूड़ा ही नजर आएगा आप अपने अंदर को अच्छा करें अपना लेंस साफ़ करें वी डोंट सी द वर्ल्ड एज और इट इज़ वी सी द वर्ल्ड एज हु वी आर राइट वी डोंट वी डोंट लुक एट द वर्ल्ड थ्रू आर आइज वी लुक एट थ्रू इट थ्रू द लेंस और वो लेंस है जो आपकी सोच है आपकी एजुकेशन है आपके एनवायरमेंट है जिसने आपकी सोच को शेप किया हुआ है लोग अमेरिका जाते हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखते हैं उनके इंजीनियरिंग मार्वल पे रश करते हैं कुछ लोग होते हैं नीचे नंगी टांगे देखते रहते हैं और कहते हैं ये क्या है तो अप्रोच में फ़र्क है होते दोनों इंसान हैं लेकिन जो आपने ज़िंदगी भर और यहाँ फीड किया है वही चीज़ आपको दिखेगी तो बी दैट पर्सन जो कि अच्छी चीज़ें देखे और अच्छी चीज़ें आप तभी देखेंगी जिंदगी में जब आप अपने अंदर से अच्छा फ़ील करने लगेंगी आप अभी सिर्फ नाइनटीन की हैं यू हैव नथिंग टू लूज यू हैव अ होल लाइफ अहेड ऑफ़ यू और कज़न uh, से जलेस होना छोड़ दें एंड लाइक like, कितना ही अच्छा हो खैर मैं मशवरा देना नहीं चाहिए लेकिन कहने में क्या आ जाए कि you work your ass so much that okay, even by 25 or 28 your same cousin starts getting jealous of you कि यार आई वॉन्ट टू स्टडी आई wanted टू बी अ डॉक्टर मैं तो नहीं बन सकी यार ये देखो कैसी बन गई सक्सेसफुल है इसका जुमेरा में क्लिनिक भी हो गया है सो वॉन्ट दैट भी अमेजिंग बट दैट रिक्वायर्स टाइम तो आपने टाइम देना है इन चीज़ों को अपनी अप्रोच को सही करना है और अपने काम पे फोकस करना है दूसरों को जेलिस होने से कुछ नहीं होगा आप ही डिप्रेस होंगी और इफ़ यू वॉन्ट इफ़ यू आर दैट एट नाइनटीन आई कैन ओनली इमेजिन वॉट यू आर वेन यूर फोर्टी फाइव सो डोंट डू दैट टू योर सेल्फ डोंट डू डोंट डू अ डिसर्विस टू योर सेल्फ and to your family and to your possibly upcoming family by being what you're being right now. Don't do that, okay? Alright, next one says, should I stay unsatisfied or get a divorce? Salam Junaid Bhai is from a guy, by the way. Salam Junaid Bhai, I'm fine by the grace of Almighty Allah and hope you are doing the same. I got married in 2020 and migrated to US from uh, Pakistan as my wife is, a, is an American citizen.

नहीं हेल्दी एंड फैट लुकिंग पर्सन एंड आई डोंट लाइक हेल्दी और फैट पीपल बट सारी मेरी फैमिली ने यही कहा था कि हर लड़की शादी के बाद अपने हस्बैंड के हिसाब से चेंज हो जाती है बट आफ्टर मैरिज आई सॉ नो ड्रास्टिक चेंज एंड रियलाइज दैट शी हैज दिस हेल्दीनेस और फैटनेस जेनेटिकली फ्रॉम हर पेरेंट्स सो इन अदर ऑल डे मैटर्स वाइफ इज हंड्रेड परसेंट गुड इन कुकिंग रनिंग द हाउस एंड इन एवरी वे बट वेन वी गो टू बेड आई डोंट गेट सेक्शुअली अराउज विद हर बिकॉज बचपन से मूवीज़ में ड्रामो में और हमारी सोसाइटी ने हमें हमने खूबसूरत लड़की को हमेशा दुबला पतला स्लिम स्मार्ट देखा है तो अब जहन ये बन गया है ये बात कबू जहन, जहन ये बात कबूल नहीं करता कि कोई हेल्दी होकर भी ब्यूटीफुल या सेक्सी लग सकता है समटाइम्स आई गेट अराउज विद हर वेन आई थिंक अबाउट सम वन एल्स और पोर्न स्टार और सम एक्ट्रेस इंस्टेड ऑफ हर अब मसला जो लोग मैरिड नहीं है उनको मैं बताऊं कि इट हैपन्स अलॉट पीपल वुड बी विद समन बट देर थिंकिंग अबाउट सम वन एल्स बिकॉज दे नीड टू स्टेर अब मसला ये है कि अगर डिवर्स या सेप्रेशन की तरफ मैं जाऊँ तो एकदम ये सब करियर ग्रोथ और लाइफ सक्सेस जो कि यू एस की ज़मीन पर मैंने हासिल की है सब रुक जाएगी और मुझे वापस पाकिस्तान जाना पड़ेगा जहाँ जॉबलेसनेस और हर तरह के मसाइल हैं लाइफ को मुश्किल बनाने के लिए मौजूद हैं और अगर हम सेपरेट नहीं होते तो सब कुछ अच्छा है लेकिन मेरी ख़ुद की सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन शैटर हो रही हैं और फिर इसी वजह से ये मुझे पोर्न देख के मास्टरबेट करके ख़ुद को सैटिस्फाई करना पड़ता है या फिर कभी किसी और से नाजायज़ ताल्लुक़ बना के सीक्रेट कायम करने का ख्याल आते हैं आई एम थर्टी सिक्स नाउ एंड बैक इन पाकिस्तान आई वॉज वर्किंग फॉर एन एयरलाइन इन मेटेनेंस सेक्शन विच आई हैव ट्वेल्व ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन एविएशन प्लीज़ हेल्प मी वॉट टू डू विद योर ओपिनियन दिस भाई है यहाँ पे काम करते थे एयरलाइन में फिर इनकी शादी हुई एक अमेरिकन सिटीज़न से जाते ही इन्होंने पी आर ले लिया और गाड़ी भी ले ली प्या अमेज़ोन पर नौकरी भी कर ली घर अच्छा चल रहा है सब कुछ अच्छा है लेकिन क्या वा आ, क्या शादी हुई थी उस वक्त वाइफ वॉज़ लुकिंग हेल्दी एंड फैट अच्छा इनको बेगम उस वक्त मोटी उनको लगी लेकिन उन्होंने बोला कर लेते हैं क्योंकि लोगों ने बोला कि शादी के बाद औरतें खुद अपने आप को एडजस्ट कर लेती हैं जैसे औरतें न्यू वो नहीं होता अरे वो जिसमें हवा भरो वो जो भालू बन जाता है फिर हवा निकालो पतला हो जाता है औरतें तो ये होती हैं ना वो नोजल नहीं लगी होती जिसमें से हवा भरते हैं मुँह डाल के तो औरतें तो ऐसी होती हैं नई फैट पसंद न्यू हवा निकाली चलो जी हो गई कायली जेनर बन गई तो अब इनको मज़ा नहीं आ रहा और वाइफ हर मामले में अच्छी हैं कुकिंग रनिंग द हाउस और लेकिन जब बेड में जाते हैं तो वो समझ ही नहीं आता उनको हिसाब किताब अब बात ये मेरे भाई देखो मैं वो ढकी छुपी बात नहीं है सीधी सीधी बात है तुमने जाना था अमेरिका तो तुम चले गए तब हेल्दी और फैट तुमने बोला देख लेंगे संभाल लेंगे ठीक है तब तुम्हें नहीं नज़र आया कि मेरी के हमने ज़िंदगी भर फिल्मों में स्लिम एंड स्मार्ट देखी माशा छत्तीस साल के हो ठीक है ना हर किस्म की बॉडी के टाइप के लोग होते हैं अपनी बॉडी क्या है ये तो आपने बताया ही नहीं ठीक है ना क्या आप उनके हिसाब से हो कि नहीं हो क्या वो भी अराउज होती है नहीं कभी ये सोचा है ये तो आपने बताया नहीं तो अब आपको वो इंस्टाग्राम मॉडल चाहिए और आप कह रहे हो जी बचपन से फ़िल्मों में देखा है तो वो वो वाला माल जी अगर वो अच्छा ही होता तो भाई वैसे ही ढूंढते पहले आपने वो नहीं देखा पहले आपने देखा यूएस वीज़ा एंड पीआर आर तो हो जाएगा पीआर पकड़ लो तो प्यार आपने पकड़ लिया प्यार नहीं हो रहा अब आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो अब आप कह रहे हो कि जी सेपरेशन की तरफ जाएं तो सब चला जाएगा वापस आना पड़ेगा तो आ जाओ भाई ये पाकिस्तानी लड़नों का मशग़ला है पहले पकड़ते हैं ग्रीन कार्ड फिर दिखाते हैं ग्रीन झंडी चल निकल आगे से तो अब आपकी इंटेंशन क्या है मैं नहीं जानता लेकिन यार हमने बड़ी कहानियाँ सुनी हैं ये चीज़ें आपको पहले देखनी चाहिए थी अब आपको अब जहन में अब जहन में आपको पोन स्टार चाहिए ठीक है ना पहले आपने बोला ठीक है देख लेंगे एडजस्ट करा लेंगे हवा हुआ निकाल लेंगे भगा देंगे जिम में जाए भी रनिंग करके आप अब वो नहीं हो रहा तब आपको जो है रायली रीड समझ आ रही है समझ रहे है ना कायली या रायली यही दो मर्दों के दो ही हैं कायली या रायली यही चाहिए अब आप कह रहे हैं कि नहीं तो भाई अगर आप इतना फ्रस्ट्रेटेड हैं और अगर आपको अपनी वो प्यारी है सेटिस्फैक्शन दूसरे की तो छोड़ो ना दूसरे की तो बात ही कौन करता है यहाँ पे खल्ली वल्ली अपना काम देखते हैं सब तो नहीं है तो छोड़ो भाई लेकिन वो भी नहीं छोड़ना तो यानी आपने उससे बेनिफिट्स पूरे लेने हैं ठीक है थीके? लेकिन देखो वो कह रहे हैं हर किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता भाई तो एडजस्ट करें की है तो अब एडजस्ट करें नहीं समझ आ रही तो फिर अभी छोड़ें ये नहीं कि जी पासपोर्ट मिल जाएगा तो फिर छोड़ दूंगा और फिर तो अमेरिका में जैसे अच्छा अगर कह रहे हो ना फिल्मों में ये देखा तो फिल्मों में तुमने ये भी सोचा होगा कि बस ठीक है इसे जान छोड़ेगी भाई तो सारी गोरियां गोद में मेरे ऐसा वैसा कोई सीन नहीं होने वाला समझ आई खुश नहीं हो तो छोड़ दो भाई उसकी भी ज़िंदगी ख़राब ना करो कर तो दिए यहाँ तक भी अगर ले आए हो बात क्योंकि भाई कल को डिवोर्स होगी तो वो ये नहीं आ, आ, बोलेंगे कि जी तुमने गेम की है यही बोला जाएगा कि भाई वो उसकी उसका लड़की है कसूर है जो कि गलत बात है तो छत्तीस साल के हो भाई थोड़ा सीरियस हो जाओ ज़िंदगी में फिल्मों की कहानियाँ फिल्मों तक ही होती हैं ये बात तो बच्चे बच्चे को पता है आजकल फिल्मों वाली बात है फिल्मों तक रहने दो तो उसमें पतली होती है मोटी होती है नाटी होती है बस्ती होती है जो भी हस्ती बस्ती जो भी चाहिए तुम्हें फैंटसीज़ ऑन द साइड या तो तुमने इतनी देखी है पोर्न कि अब तुम्हारा माइंड वहीं का बन गया है, या तो ये मान लो क्योंकि लोग होते हैं उसमें फंस के रह जाते हैं बॉक्स हो जाते हैं भाई एडिक्शन है ना नशा है वो डोपामीन जितनी इतनी कोकेन नहीं देता डोपामीन जितना पोर्न देता है इट्स इट्स हाई तो या तो आप उस बॉक्स में फंस गए हो ऐसे बॉक्स में फंस गए हो तो फिर आपको कोई भी दे दो आपको समझ नहीं आएगा आप उधर ही जाओगे तो अपनी शॉर्टकमिंग्स को एड्रेस करें ज़रा किसी थेरेपिस्ट वेरेपिस्ट से बात करें या कोई कपल्स काउंसलर या कम्युनिकेट करें भाई अगर आपने बीवी को बताया है एंड इफ शी इज़ नॉट वर्किंग ऑन इट फर्स्ट ऑफ ऑल सिर्फ आपने नहीं बताना होता अगले का क्रिटिसिज्म पॉजिटिव फीडबैक सुनना भी होता है अगर आपने ये बोलना कि जी मेरी यही प्रेफरेंसेज हैं तो फिर अगले की भी प्रेफरेंसेज सुननी है अगर अगले ने बोला कि भाई मुझे तो छः डब्बे वाले पसंद हैं मैंने तो फिल्मों में ये देखा है तो जा बना किया सिक्स पैक फिर भागना जिम में फिर काम कौन करेगा फिर सारा दिन जिम में बैठा रहेगा तो तो भाई ख़ाली हमारे ना मर्दों को फरमाइशें करनी पूरी आती हैं कि कुक भी अच्छी हो बॉडी भी फिट हो मतलब वो में भी बनाए उसका पेट भी ना हो अभी ऐसा कहाँ से होता है भाई जो तो कोरमा बनाएगी चकेगी भी तो ना या तो कोई वेगन पकड़ ले हैं वो भी नहीं चाहिए खाना भी तुम्हें मेरे वही चाहिए तो भाई पहले तो कोशिश करें कम्युनिकेट करें उनको अगर आपको लगता है कि वहाँ से एफ़र्ट नहीं डाली जा रही आपके कहने के ऊपर और उनका भी क्रिटिसिज्म लें उनका भी फीडबैक लें अगर आप दोनों नहीं कर पा रहे तो ठीक है फिर इसको अभी ख़त्म करें फिर ये नहीं वेट करें कि अच्छा मेरा ग्रीन पासपोर्ट तो आने दो तो, मेरा ये तो आने दो तो। फिर आप वही करोगे जो सब करते हुए आएँ फिर हम सही बदनाम है दुनिया में क्योंकि हमारी हरकतें यही हैं अपनियों के साथ भी गोरीों के साथ भी पहले यूज़ करो उसका इस्तेमाल करके पहले कुछ भी ना देखो वह पहुँचने की करो क्योंकि यहाँ से भागना है यहाँ से भाग गए अब थोड़ा चौड़े हुए हाथ पाथ फैले अब नज़र आ रहे यार थोड़ा उस्ताद शार्ट चल रहा है थोड़ा सा मामला यू नो ये फिर शुरू हो जाता है हमारी हरकतें क्योंकि तो अब अमेजोन से पैसे भी आ रहे हैं माशाल्लाह गाड़ी भी ले ली अब सब जिंदगी गाड़ी अब सही हुई अब तो मैं उसकी बॉडी समझ नहीं आ रही पहले तो मैं उसका पासपोर्ट समझ आ रहा था छोड़ो यार ड्रामे अभी भाई किसी और को बनाना यार अब बुरा लगे तो भाई अच्छी बात है बुरा लगे सीखो उससे कुछ बड़े भाइयों की तरह बोल रहा हूँ ऐसे नहीं करना होता ज़िंदगी में तो पहले नहीं करते अब किए तो निभाओ मगर मैं ये भी नहीं कह रहा भाई कि सीवियसली निभाओ कि बस अब चलानी है तो चलाओ मैं ये भी नहीं कह रहा अगर खुश नहीं हो तो ज़ाहिर है वो भी खुश नहीं होगी उसके साथ जुल्म क्यों कर रहे हो उसको ओपनली बोलो कि हाँ भाई मैंने यूज़ किया तो मैं मैंने आना था ठीक है अगर ऐसा नहीं है कम्युनिकेट करो अगर अगर वो भी नहीं मान रहे तो ठीक है छोड़ो वापस आओ फिर देखो फिर ढूँढ लो कोई अपनी अपने टाइप की बॉडी टाइप की फिर ढूंढ लो कोई ऐसे कर लो ये गलत तरीका है यार ऐसे नहीं होना चाहिए यार आप किसी के उस बलबूते पे जाओ अगले को होप्स तो और ड्रीम्स और होप्स अगली औरतें वल्रेबल होती हैं यार वो पूरा कारव करती हैं पूरी लाइफ टाइम के भाई यही करना है मर ना यार लॉजिक अच्छा ये कर लूँगा ये कर लूँगा ऐसे यहाँ से कट लूँगा फिर ये कर लो ये कर लूँ ये कर लूँगा वो बेचारी ड्रीमें ड्रीम्स देख रही होगी यार मैं इसके साथ घर बनाऊँगी फैमिली रेस करूँगी ये करूँगा वो करूँगा इसको तो बॉडी टाइप ही समझ नहीं आ रही वाह यार वाह अजीब बात है ये चीज़ें पहले देखने की होती हैं तो ये गलत हरकत है भाई बिल्कुल गलत अगर छोड़ना है अभी छोड़ दो अभी छोड़ दो जब पी आर वी आर वापस करो बोलो गैरतमंद मर्द हो ना गैरतमंद मुसलमान मर्द ना मुंह पे मारो कि भाई नहीं चाहिए पी आर मैं जा रहा हूँ वापस ये तुम करो ये नहीं वल्ली भाई हमने भी दुनिया देखी है सारे ऐसे ही करते हैं और जो सुन रहे हैं भाई पहले ही डिसाइड कर लिया करो तस्वीर में हेल्दी थी फ़ैट थी जूम कर लो जूम नहीं समझ आ रहा मिल लो ये सब कर पहले कर लिया करो ये नहीं अब बाद में समझ नहीं आ रहा ये भेड़ के यहाँ विलेज रेस्टोरेंट थोड़ी है खाना खाने गए कढ़ाई समझ नहीं आ रही अबे शादी है लोगों की फीलिंग्स और इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं पैसा तो दूर की बात पैसा फेरा जाता है लानत भेजो पैसे पे लेकिन क्यों लानत भेजो यार अगले अगले अगलों की पूरी ज़िंदगी की सेविंग लग जाती है सड़क पर आता है कर्जों पर चले जाते हैं लोग चीज़ें पहले सोचने की है मजाक बना के रखा हुआ है इस मुल्क में शादी मजाक है अरे चलेंगे कोई मसला नहीं है बोर हो रहे हैं शादी कर ले चलो हेल्दी है बाद में पतली कर लेंगे लड़का मेंटल है बाद में सही हो जाएगा क्यों सही हो जाएगा क्यों सही होगा जब पहले सही नहीं है तो बाद में कैसे होगा फजूल की हरकतें यार सबसे बड़ा जिंदगी का आपका आपका जो जो काम होता है ना वो होती है यही पार्टनरशिप सबसे बड़ा डिसीजन ये होता है और हमारे यहाँ इतना कैजुअली लिया जाता है तभी तो मुल्क का ये हाल है ये सब इंटरकनेक्टेड चीज़ें हैं अबे कोई घर में खुश नहीं है इसलिए मुल्क की माँ बहने करते हैं वो घर में खुश नहीं है फ्रस्ट्रेटेड हैं फ़्रस्ट्रेशन कहीं और निकालते हैं जो घर में खुश होते हैं ना उनकी फिर दुनिया भी सही होती है यहाँ पे हर घर की ये कहानी है भरी पड़ी कितनी आठ नौ हज़ार ही में यही भरी इन्हीं चीज़ों से भरी हुई है मज़ाक बना के रखा हुआ लोगों ने दूसरों का सोचते नहीं है अगले की फीलिंग्स क्या है कोई हर्ट होगा उसका ज़िंदगी भर एतबार उड़ जाएगा भाई मर्दों से या शादी से या रिलेशनशिप से फिर तुम बोलोगे चालू है दो नंबर है डेटों पर जाती है सेटल क्यों नहीं हुई अबे जब हुई थी तो तुमने ये हरकतें की अजीब हरकतें यार ये नहीं करो भाई बात करो और अगर नहीं है तुम्हें लगता है खुश नहीं हो अभी के अभी छोड़ो वापस आओ पहली फ्लाइट से वापस आओ इसी एयरलाइन इसी एयरलाइन के जहाज़ में आ जिसको तू सही करता था ना इसी में बैठ गया वापस चलो दाफिस राइट Uh, next one says, distancing people in phases of life. Should I change myself? Hello, sir. I'm 25 year old woman. I have done good with my life in terms of education, career, and lifestyle. I have currently applied for a student visa for Australia for a master's degree, and I'm a very outgoing, life of the party kind of a person. I have a habit of distancing the people of my previous phase in life. I stopped trying to catch up with my school friends when I went to college. Then I didn't get in touch with my college friends when I started my university. The same pattern is observed when I change my employer. I was in no mood to hang out with ex-colleagues. I am in a good relationship building, but bad at keeping them alive when those people are no longer my priorities. Should I change this habit? A lot of people complain about this to me that I disappear, ho, etc. Et I think the major contribution for my disappearance is that I'm not on Instagram and Snapchat. I find them time-consuming. I see people that are extremely close to their grade three buddies, and I'm very close to my sister. I'm also a very family-oriented person. प्लीज एडवाइस एज आई एम डिस्कसिंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम ओनली बिकॉज यू अप्रिशिएट द सपोर्ट दैट चेंज इज गुड थैंक यू फॉर योर रियालिटी चेक्स प्लीज गेट बैक टू मी इफ यू गेट अ चांस टू गेट थ्रू दिस सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसमें मैंने बहुत बार डिस्कस भी किया है बट लेट मी डू इट अगैन आपकी ग्रोथ की एक निशानी यह भी होती है कि यू आर लीविंग अ लॉट ऑफ पीपल बिहाइंड बट इट्स नॉट दैट यू आर लीविंग दे बिहाइंड इट्स इट्स दैट दे आर नॉट कीपिंग अप विद यू एंड योर प्रायोरिटीज इसमें कोई गलत बात नहीं है स्कूल में हमारे भी चालीस दोस्त थे लेकिन अब शायद दो से भी रबता नहीं है राइट right? uh, लोग अपनी जिंदगी में मशगूल हो जाते हैं प्रायर्टीज़ चेंज हो जाती है जरूरी नहीं आपने सबको साथ साथ लेके चलना होता सेम गोज फॉर कॉलेज सेम गोज फॉर यूनिवर्सिटी एंड सेम गोज फॉर योर वर्क प्लेसेज uh, आपकी वर्क प्लेस से रिलेशनशिप सिर्फ इतनी ही होती है कि आप वहाँ काम करते हैं जस्ट बिकॉज यू वर्क दैट डजन मीन यू आर बडीज़ नाउ यू जस्ट स्पेंड एट आवर्स इन फ्यू क्यूबिकल्स along विद ईच अदर एंड दैट्स दी ओनली रिलेशन दैट doesn't मेक यू फ्रेंड्स बट हमारे यहाँ कुछ लोग समझते हैं ओ चू कि हम सारा टाइम गुजारते हैं तो हम फ्रेंड्स हैं इसमें मैं एक बड़ा फनी इंसिडेंट शेयर करता हूँ दे इज अवर हिस्स फ्राम कराची एंड आई नेसेसरेली डोंट लाइक हिम ठीक है बिकॉज ऑफ आई मीन ग्रोथ माइंड सेट वाला जो बंदा नहीं होता या जो लाइक वाइब नहीं आती ना देखो सबकी अपनी अपनी प्रायरिटीज़ हैं मेरी प्रायोरिटी को जो मैच नहीं करता आई डोंट वाइब विद दैम दैट्स परफेक्टली फाइन Now, I don't meet that guy in Karachi. Like, we're not on friendly terms. Oh, let's meet up. I'm इट्स नॉट बिकॉज के मैं समझता हूँ कि मैं बहुत मशहूर हूँ बहुत बड़ा आदमी हूँ इज इज डैट मेरी कोशिश होती है कि मैं जहां जिस महफिल में बैठू मैं वहाँ से कुछ सीख के निकलूँ या मेरा दिमाग आई शुड भी ब्लोन अवे बाई वट आई एम हेयरिंग और समथिंग दैट आई एम लर्निंग अगर मुझे बैठ के ये करना है कि यार मुबीन ये कर रहा है फलाना ये कर रहा है आई डोंट गॉसिप आई डोंट लाइक टू गॉसिप आई डोंट डिसकस पीपल आई ओनली डिस्कस आइडियाज़ इफ़ यू हैव आइडियाज टू टॉक अबाउट यू मोर देन वेलकम मेरे पास बहुत टाइम है बट इफ़ यू वॉन्ट टू डिस्कस पीपल या लड़कियों की बातें करनी है गाड़ियों की बातें करनी है फ़ोन की बातें करनी है आई एम नॉट द पर्सन आई हैव आउट ग्रोन दैट फेज तो आई डोंट मीट दैट गाय इन कराची आई वॉज इन लाहौर एंड ही वॉज इन लाहौर उसने मेरी स्टोरी देखी लेट्स हैंग आउट आई एम ऑल्सो इन लाहौर मतलब मैं, ला, मैं तेरे से कराची में नहीं मिलता मैं तुझे तो लाहौर में क्यों मिलूँ और ये ये फिर एक बाहर मुल्क में भी हुई थी मुल्क का नाम लूँगा तो वो समझ जाएगा कि वी ऑल्सो एंडेड अपन द सेम सिटी समवेयर अब्रॉड अब यार मैं बाहर गया हूँ मेरी प्रायरिटीज़ होती हैं कि मैं जगहें देखूँ नए लोगों से मिलूँ चीज़ें एक्सप्लोर करूँ अब उसका वैसे से यार आओ खाना खाते हैं अबे यार खाने में यहाँ भी खा सकता हूँ यार खाना खाने नहीं गया मैं कबाब पराठे खाने या प्लाउट ढूंढने नहीं निकला हुआ दुनिया में मैं अगर लाखों रुपये का टिकट लिया है, तो मैं उसको मटेरियलाइज करूँगा इन टू फुलफिलिंग वट आई लाइक सो सोया लाइक so, so yeah, like, uh, खैर ये तो एक डिफरेंट वो है लेकिन uh, जो आपकी ग्रोथ का ये मैंने uh, पढ़ा भी था एक टिकटॉक भी देखी थी उसमें भी यही था कि ग्रोथ की सबसे बड़ी निशानी ये है दैट यू लिविंग लॉट ऑफ पीपल बिहाइंड बट यू आर नॉट लिविंग देम बिहाइंड दे आर नॉट एबल टू कैच अप मेरे बहुत सारे स्कूल के दोस्त हैं आई मीन ऑब्वियसली कुछ आई आई ट्राई नॉट टू बी पार्ट ऑफ एनी ग्रुप्स मैं मेरे व्हाट्सएप के ग्रुप सिर्फ चार हैं और चारों ऑफिस के हैं मेरा कोई और व्हाट्सएप का ग्रुप एक यूट्यूबर्स का ग्रुप है वो जहाँ पे सारे हैं उसमें भी मेरी पार्टिसिपेशन सिर्फ रात को कुछ अगर रीड करना हो तो करता हूँ ना अदरवाइज आई डोंट रियली पार्ट एक मच बिकॉज वो ग्रुप से जो है ना बस वो फिर कॉसपिंग uh, होती है दे डिस्कस पीपल आई मीन नॉट यूट्यूबर्स ग्रुप में वैसे बात कर रहा करूँ जनरली जो ग्रुप्स होते हैं आई आई ट्राई टू डिसनिस माई सिर्फ अच्छा मैं यूट्यूबर कम्यूनिटी में ये भी मशहूर हूँ कि यार ये तो शायद थोड़ा एरोगेंट है जो कि नहीं है जो Uh, जो लोग आज मेरे दोस्त हैं वो पहले मेरे बारे में यही ख्याल रखते थे कि यार ये तो बहुत एरोगेंट होगा फॉर एग्ज़ाम्पल मोहम्मद अली का जो गाना है जूही चावला उसमें सारे यूट्यूबर्स हैं सिवाय मेरे मैन्यू सारे हैं सारे तो उस वक्त अली से मेरी सलाम दुआ नहीं थी और uh, मुझे आई आई न्यू ऑफ हिम एंड ही न्यू ही न्यू मी ही न्यू ऑफ मी तो वो अब यही कहता है कि आई थॉट कि यार आप उस तरह के टाइप के होगे नहीं चिल करने वाले ही करने वाले या आप थोड़े से एरोगेंट हो गए हालाँकि ऐसा दैट्स नॉट द केस सो चेंज इज़ गुड मैं हमेशा यही कहता हूँ ओ या सो आई वाज सेइंग कि वो स्कूल के कुछ दोस्त हैं जो स्कूल के दोस्त थे मैं अभी भी किसी के प्रोफाइल पर स्टम्बल करता हूँ ना तो वो पुरानी बातों में ही फंसे हुए और वो याद है क्लास थ्री में ये किया था लाइक हाँ किया था फिर नौ वर्ड अब क्या करना है उसको यादें रिलिव करते हैं अरे भाड़ में गई ठीक है हैड ए गुड टाइम लेट्स मूव ऑन मैन कुछ लोग मूव ऑन नहीं कर पाते वो स्कूल के जोक्स में फंस गए वो स्कूल की यादों में फंस गए वो याद है उसके ऊपर पानी मारा था कितना मज़ा आया था लाइक टू वी आर फकिंग लाइक ट्वेल्व आगे की बात करो यार तो तेरा बच्चा बारह साल का ऊपर हो गया तो वो कुछ लोग फंस जाते हैं वो पास्ट में रहना पसंद करते नोस्टालजिया में रहते हैं इसलिए हमारे यहाँ नोस्टालजिया बहुत चलता है तो बीबी -बी की स्पेसर गम याद है खाते थे और फलाना बीबी नहीं बीपी की Uh, इस तरह की चीज़ें तो आई आई डोंट लाइक दिस मुझे लगता है ये चीज़ें टाइम कंज्यूमिंग है इंड नॉट एडिंग एनी वैल्यू टू माई लाइफ नाट दिस इज माई प्रायोरिटी दिस इज माई पर्सनैलिटी अलॉर्ड ऑफ पीपल लाइक दैट शेड गुड फॉर देम ठीक है उसी में ही रहे हैं आई एम नॉट जजिंग और बिग्रजिंग देम आई एम जस्ट नॉट आई जस्ट डोट वॉन्ट अ पार्ट ऑफ इट बस सीधी सीधी बात है तो आपका भी जो है ना हिसाब किताब ऐसा ही लग रहा है यू नॉट इंस्टाग्राम स्नैपचैट दैट स्पीक्स वॉल्यूम्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड The fact that you don't want to engage in something that is time consuming, which means you're a highly super productive person. And I really like admire that about people and for sure about you as well. Okay. This is your personality type that suits you. It works for you. and uh, You should don't feel bad about it. Uh, chal, ek puri journey hoti hai. Aaj mere YouTuber ke friends, or industry. Ho so there's nothing wrong with that. Uh, change is good and change for the better. और uh, जो लोग समझते हैं अगर आप बिज़ी हो ये हो घास नहीं डालती नहीं डालती बोलो यार आई मीन अप टू यू इफ दैट्स हाउ यू थिंक आई कैंट चेंज यू आई एम एम ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्ट आई डू एंड से नॉट फॉर वट यू परसीव दैट्स योर प्रॉब्लम सो दैट्स अ दैट्स अ वेरी यू प्रॉब्लम ये मेरी बेटी कहती है कोई उसको चीज़ समझना नहीं आया ना तो कहती दैट्स अ यू प्रॉब्लम सो दैट्स देयर प्रॉब्लम नॉट योर्स मूव ऑन थैंक्स और लास्ट सवाल आज का मैन हु नीदर वोट देम सेल्व नॉर अलाउ देयर वुमेन टू तो वर्ड

आई वुड अप्रिशिएट यू से समथिंग और मेक अ वीडियो एड्रेसिंग दोज पीपल जो सिरे से वोट डालना ही पसंद नहीं करते अकॉर्डिंग टू दैम यहाँ वोट डालने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि जिसने आना है वही आएगा दिस आई एम टॉकिंग अबाउट क्वाइट वेल ऑफ एंड सो कॉल्ड मोहजिब एंड पीपल ऑफ अच्छी फैमिलीज दिस पीपल डोंट अंडरस्टैंड दिस लिटल थिंग दट वन नो वन इज़ फुलफिलिंग देर ड्यूटी देन बाई नॉट वोटिंग दे आर ऑल्सो नॉट डिफरेंट प्लीज टेल दिस पीपल के वोट ना डालने के क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं और ब्लैंक बैलट पेपर्स को किस से किस तरह से अपनी मर्जी का थप्पा लगा दिया जाता है प्लीज़ टेल दम दैट एवरी वन इज़ अकाउंटेबल फॉर हिज ओन डीड्स एंड नॉट फॉर अदर्स वोट किसको डालें इज़ अनदर मैटर और अदर वोट डालना है इज़ अ बिग इशू इन इट सेल्फ दैट आई एम विटनेसिंग द पर्पज ऑफ दिस लॉन्ग ई मेल इज़ अनफॉर्चुनेटली माई हजबेंड इज़ वन ऑफ सच पीपल एंड बींग हेम योर बींग हेम योर सब्सक्राइबर एंड यो फॉलोर यू आर माई लास्ट होप देट योर वर्ड्स माई डू समथिंग विच आई एम नॉट एबल टू द स्टोरी डजें एंड हेयर द बिगर प्रॉब्लम इज दैट हि डजन वॉन्ट मी

क्या पढ़ा लिखा क्या जाहिल प्लीज़ मेक अ कड़क एंड टाइट सी वीडियो एड्रेसिंग सच मेन हु थिंक कि अल्लाह ताला ने उनको एक दर्जा ऊपर दिया है और औरत तो हर मामले में मर्द के नीचे ही रहेगी प्लीज़ टेल देम दैट विद दिस हाई दर्जा आल्सो कम्स द अकाउंटेबिलिटी एंड दे शुड नॉट मिसयूज दिस हाई दर्जा वरना पकड़ भी ऐसी ही होगी आई वुड अप्रिशिएट इफ यू मेक अ कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो ऑन दिस इशू ऑन योर चैनल बिकॉज माई हजबेंड वॉच एवरी वीडियो ऑन दैट चैनल लेट्स होप ही लर्न समथिंग फ्राम इट इनशाला आई विल इलेक्शन के टाइम पर आई विल मेक इट अगेन जितना री रीटरेट किया जाए कम है हम हर बंदा यही समझता है कि मेरे एक वोट से क्या होगा और फिर वो मेरा एक वोट नहीं होता फिर इस तरह के एक करोड़ लोग होते हैं और फिर एक करोड़ लोगों से बड़ा फ़र्क पड़ता है और फिर जब आप नहीं करते ना वो कहते ना कि इन इन द टाइम्स ऑफ अप्रेशन पीपल हु आर न्यूट्रल सॉरी आई शुड नॉट से द न्यूट्रल इन टाइम्स ऑफ ऑपरेशन जो लोग खामोशी भी इख्तियार करते हैं ना वो भी उस ऑपरेशन का हिस्सा होते हैं तो ये जितना भी आप सितम देख रहे हैं ये ना सिर्फ उस वजह से आया है कि इनके वोटर्स ने इनको लाए हैं बल्कि उनकी वजह से भी आया है जिन्होंने दूसरों को ज़्यादा वोट नहीं दिया या अच्छे लोगों को वोट नहीं दिया इस वजह से आए तो ये जो कह रहे हैं आपके हस्बैंड के उनका एक दर्जा ऊपर है तो उनकी फिर पिटाई भी एक दर्जा ऊपर ही होगी ऊपर जाके जाना सबने तो आ, जब आप हिस्सा नहीं बनते ना किसी डिबेट का तो फिर आप उसमें देखिए पार्टी तो आप हैं Uh, चाहे आप वोट देकर करें या वोट ना देकर करें आप क्योंकि आप इस मुल्क का हिस्सा हैं और अगर आप अपना राइट इस्तेमाल नहीं करें देन यू हैव नो राइट टू कंप्लेन आई इधर और फिर ये जो आप कह रहे हैं कि इस मुल्क में कुछ नहीं होगा आएगा वही जिसने आना है तो इसलिए आ रहा है क्योंकि आप जैसे एक करोड़ मर्द नहीं बाहर आ रहे या औरतों को नहीं आने दे रहे या इस तरह की बहुत सारी औरतें भी होंगी जो समझती होंगी कि सब पागल बना रहे हैं हमको यू you नो know? ये बिक गई है गवर्नमेंट मगर यू शुड ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज़ वोट वरना फिर कंप्लेन ना करें कि जी गटर क्यों बह रहा है या बारिशों में पानी क्यों आ गया फिर बिल्कुल आपको कंप्लेन एक मिनट एक कंप्लेन करने का भी आपको हक़ नहीं है क्योंकि जब आपको मौका दिया जाता है कि इसको सॉल्व करो सॉल्व मुर्तज़ा वहाब ने या जो है आ, सी एम सिंध ने या बिलावल ने थोड़ी करना सब ने मिल के करना है अब आपने कैसे करना है वोट डाल के सही लोगों को लाना है अब आप भी जब नहीं निकल रहे घर से बाहर क्योंकि आपको ड्राइव करके पोलिंग स्टेशन पे जाना पड़ेगा जब आप इतनी सी तकलीफ़ बर्दाश्त करने नहीं चाह रहे ना तो फिर आप बहुत बड़ी तकलीफ़ बर्दाश्त करते हो वो कहते हैं ना इफ़ यू डोंट वर्क हार्ड यार तो मुझे कोर्ट्स याद नहीं रहते वो ये है कि अगर आपने आज थोड़ा सा सफ़र नहीं किया ना तो आगे आके आप बहुत सफ़र करोगे सफ़रिंग इज़ इनविटेबल वो तो आपने करना है अब आप थोड़ा सा अभी कर लो जैसे फ़ॉर एग्ज़ाम्पल एक्सरसाइज की अगर मैं मिसाल दूँ आपको एक्सरसाइज करना इज़ देखो जो भी चीज़ आपकी हेल्थ के लिए अच्छी है ना बहुत मुश्किल है चाहे वो एक्सरसाइज करना हो रनिंग करना हो आ, सही खाना खाना हो यानी कि आप मिर्च मसाले नहीं खा रहे कोरमा नहीं खा रहे मुश्किल है इसी तरह नशे मतलब सिगरेट वग़ैरह ना पिए आप जो चीज़ें ठंडा पानी जो चीज़ें आपको आ, आपके लिए नुकसान देना वो बड़ी सैटिस्फाइंग साटिस, होती हैं फॉर एग्जांपल ठंडा पानी ठंडा पानी बहुत है अगर आपने दुबई में काम किया फ़िलिपीनज़ को देखें खोलता हुआ गर्म पानी पीते हैं तभी उनके स्किन भी अच्छी होती है बाल भी अच्छे होते हैं और वो ज़िंदा भी ज़्यादा रहते हैं जो आप मुश्किलें आज झेलोगे ना आपको आगे मुश्किलें कम होंगी आप एक्सरसाइज नहीं करोगे आप चालीस में कमर लेके बैठे होगे पचपन में घुटने लेके बैठे होगे वो ज़्यादा सफ़रिंग है अगर आपने आज थोड़ा सा सफ़र नहीं किया तो वो ज़्यादा सफरिंग है सेम गोस्ट फॉर वोटिंग अगर आपने आज वोट नहीं दिया थोड़े सा आपने कष्ट नहीं किया कि जी मैं खड्डों से गाड़ी चला के और दूर पार्किंग करके स्टेशन पे लगा लूँ पोलिंग स्टेशन पे तो फिर आपकी हर सड़क टूटी हुई होगी और फिर आपको पूरे शहर में कहीं पार्किंग नहीं मिलेगी क्योंकि तो आपने वो काम नहीं किया था तो थोड़ी सी सफ़रिंग ज़रूरी है ज़्यादा सफ़रिंग को रोकने के लिए लेकिन जो लोग समझते कि जी यहाँ तो कुछ नहीं होता और सब वही होगा जो अमरीका चाहेगा और अमरीका कराएगा ये सारी मिथें हैं भाई ठीक है उनका इन्फ्लुंस ज़रूर होता है मगर क्या मैं आपसे रॉन्ग वे गाड़ी चलवा सकता हूँ नहीं ना जब तक आप नहीं चाहेंगे आप नहीं चलाएंगे तो कोई किसी को कुछ कर नहीं सकता ये कि जी अमेरिका करा रहा है कभी अमेरिकी देखा है ज़िंदगी में कभी देखा है आपने कभी कोई यहूदी देखा है ज़िंदगी में कहना बड़ा आसान है यहूदी करा रहा है क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने से हटानी है ना तो यहाँ पर भी आप अपने ऊपर से रिस्पॉन्सिबिलिटी हटा रहे हैं कि जी होगा तो कुछ नहीं तो फिर बस मैं कुछ नहीं कर रहा वोटिंग बहुत ज़रूरी है भाई और हाकिम वक्त को हाकिम वक्त की सिलेक्शन क्योंकि वो अगर जाबिर और ालिम हाकिम आएगा तो वो जुल्म करेगा और उस जुल्म का आप भी हिस्सेदार होंगे क्योंकि आप अपने वोट से उसको रोक सकते थे लेकिन आपने नहीं रोका ठीक है ज़ाले माया उसने लोग मरवाए उसने महंगाई की लोगों ने ख़ुदकुशियाँ की वो सारा गुना आप पे भी आएगा एक दर्जा याद है ना एक दर्जे वाली बात याद रहती है और चार बीवियों वाली याद रहती है जो दूसरी जिम्मेदारी है वो याद नहीं रहती सफ़ाई है ये नहीं याद रहता लोगों को तो भाई आप उस जाबिर के साथ हो आप एक अगर सी एम गलत है या पी एम गलत है कोई भी गलत है वो आपके वोट ना दे के आया है ना देने की वजह से वो आया है वरना आता शायद कोई और तो आप इसका हिस्सा हैं अब आप माने या ना माने आप यहाँ रहते हैं ये आपकी ज़िम्मेदारी है बिल्कुल जैसे कि दूसरी जिम्मेदारी है तो ये कह देना कि जी हम ना आ र से कुछ नहीं होगा तो फिर कम्प्लन भी ना करें फिर लुटवाएं अपना मोबाइल क्यों कम्प्लेन करते हैं जी पुलिस ये नहीं कर रही वो नहीं कर रही क्यों करें आपके लिए पुलिस काम जब आप जब आपको मौका दिया था कि अच्छा बंदा लाएं ताकि वो हर चीज़ अच्छी करे आप घर पे बैठ गए जी गाड़ी कौन चलाए ढीले पड़ गए अब आप सहो इसको और भुगतो तो कंप्लेन करने का राइट मिलता नहीं है वोटिंग एक बार कर लो क्योंकि उससे होगा ये कि यू डू योर पार्ट उसके बाद जो भी हो वो फिर वो फिर वो है वो फैक्ट है वो फिर वही होगा लेकिन आपने अपना पार्ट किया ये नहीं हो सकता आप कुछ करें भी ना और कंप्लेन पूरी करें ऐसा नहीं होता जो आपकी जिम्मेदारी वो पूरी करें तभी आपको आपका मुँह भी होता है कुछ कहने को या कुछ कंप्लेन करने को यहाँ हमारे सेलिब्रिटीज़ पिछले पिछले इलेक्शन में वो सेरेमनी में चलेगा सबको बोला वोट दो वीडियोस बनाई वोट दे वोट कहा कि ये वो खुद सारे अवॉर्ड लेने चले गए कैनेडा क्या बंदा बात करे सो so, पहले एक्सरसाइज करें अपना राइट और फिर आप दूसरी चीज़ों पे इश्यूज़ पे आवाज़ उठाएं तभी आपकी बात सुनी जाएगी और तभी सही भी है वरना वरना आप फजूल की नॉइज़ क्रिएट कर रहे हैं अपना ब्लड प्रेशर बढ़ा रहे हैं अपने बी बच्चों को तंग कर रहे हैं और कुछ नहीं करें आप फिर बोझ हैं ख़ाली बोझ ना बने भाई अपना वोटिंग राइट right इस्तेमाल करें और जो करना चाह रहा है उसको करने दें खुद नहीं करना जहालत में रहना रहें ज़िंदगी भर अपना एक दर्जा ले आप जो भी करना है करें लेकिन दूसरों को तो उनका हक ना मारें क्योंकि फिर जो हक तलफी जो है ना हुकूक अल्लाह की माफ़ी और हकूक लिबात की माफ़ी नहीं है मैं पूरा इस्लाम सिखा दूं आपको एक दर्जे वाला इस्लाम सीख लिया बाकी भी तो सीखें खैब तो ये दी आज की एपिसोड आई होप यू गाइज लर्न अ लॉट फ्रॉम इट फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट जरूर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड यू कैन सपोर्ट दिस चैनल ऑन पेट्रम डॉट कॉम से गंजी सोह आई विल ट्राई माई बेस्ट नॉट टू बी एबसेंट दिस टाइम अराउंड मैं बहुत बार ये बात बोलता हूँ फिर गायब हो जाता हूँ आई आल मेक श्योर आई मेक वीडियोज़ टाइमली और मैं ख्याल रखी गुँ